आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले राजस्थान जीके के टॉप 200 एमसीक्यू होंगे और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी के सभी। एक्चुअल में अगर अपन बात करें तो आरएसएम डब्ल्यूएस भी बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके आरएसएम डब्ल्यूएस भी हो या आपकी आईपीएससी एग्जाम हो या आप बात करो तो आपकी जो रीट एग्जाम है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। चाहे लेक्चर एग्जाम दे लीजिएगा, कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, आरएसएम डब्ल्यूएस भी, आरपीएससी या रेट वगैरह कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 200 क्वेश्चंस है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि अपन हर क्वेश्चंस के साथ में अप्रोक्सीमेट 4-5 क्वेश्चंस अलग से समझने की कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चंस अपने 200 क्वेश्चंस के अंदर 1000 क्वेश्चंस के समथिंग बनने वाले हैं। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नहीं किया तो और घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। अपने को आंसर बताना है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, देखो रबी और खरीफ भारत के अंदर दो प्रकार की सीजन के अंदर ये फसल बोई जाती है, ठीक है। अगर इसमें बात करूँ तो आंसर हो जाएगा अपना चावल, ठीक है, ये रबी की कैटेगरी में आ गया। अगर बात करूँ ये गेहूँ, जौ और मसूर, ये किसकी कैटेगरी में आएगी, खरीफ की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। अब रबी की फसल कब से कब बोई जाती है और खरीफ की फसल कब से कब तक बोई जाती है, ये क्वेश्चन मतलब इसी पे बेस पे या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा या इस क्वेश्चन को दूसरी भाषा में किसे बना देंगे कि रबी की फसल होती है वो किस पीरियड में बोई जाती है और वो खरीफ की होती है वो किस में बोई जाती है, ठीक है। अगर खरीफ की बात करूँ तो खरीफ की फसल बोई जाती है जुलाई से अक्टूबर के बीच बोई जाती है और जो रबी की फसल होती है वो होती है अक्टूबर से मार्च के बीच। यानी अब जो सर्दियों के अंदर में जो फसल बोते हैं वो होगी अक्टूबर से मार्च के बीच में। तो इस क्वेश्चन के अंदर रबी की फसल नहीं है तो चावल एक रबी की फसल नहीं है क्योंकि चावल एक खरीफ की फसल है, ठीक है। तो खरीफ की फसल और कौन कौन सी है चावल के साथ में, तो ऑप्शन देखो आप आराम से देखो अच्छे से समझो क्वेश्चन को। चावल के साथ में मक्का हो गई, बाजरा हो गई, ये सब किसकी कैटेगरी में आती है, रबी की, खरीफ की कैटेगरी में आती है। और रबी की बात करूँ तो अपने होगी गेहूं होगी, जौ होगी, सरसों होगी, मसूर होगी, ये सब किस कैटेगरी में आती है, रबी के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये क्वेश्चन सब आरएसएम डब्ल्यूएसबी बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन से और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से करके जाइएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। कृषि पर आधारित जो सीमेंट होती है वो एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है क्योंकि सीमेंट के अंदर क्या होता है, कई जिप्सम वगैरह, फेल्सपार, मतलब उस तरीके के कंक्रीट इसमें काम में लिए जाते हैं। बाकी ये जो आप कृषि पे आधारित है, कृषि यानी खेत के अंदर जो उपज होती है उनसे ये सब बनाई जाती है, तो सीमेंट है वो एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात क्या है। राजस्थान के 5वें राज्य यानी 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है और उसके अकॉर्डिंग देखो 75.10% ग्रामीण निकायों को और 24.90% शहरी निकायों को। यानी देखो इसकी बात करता हूँ, ये जो है 5th स्टेट ओन, ये जो 5th है अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर क्या बात करूँ, एक तो होता है इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, एक तो होता है चेयरपर्सन जो कौन है, डॉक्टर ज्योति किरण, तो ये भी पूछा जा सकता है। और जो 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन इसका पीरियड है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। ये जो 5वां स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका पीरियड भी पूछा जा सकता है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच में। और इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है और चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर ज्योति किरण, ये रही, ठीक है। अब देखो ये इसमें स्थानांतरण कुल राशि पूछ ले, अब देखो इसमें पूछा कि अर्बन और रूरल का पूछा गया है तो वही है 75.1% और 24.9%, ठीक है। और देखो ये पूछा गया ग्रामीण निकायों को 75.1% और शहरी निकायों को 24.90% आवंटित किया गया है, ठीक है। आपको राशि पूछे तो आप राशि भी यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है, 243G, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित, पंचायतों को शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है, ठीक है। और ये किसमें, 11th शेड्यूल के अंदर है, याद भी रखना ये भी 11th शेड्यूल, देखो ये रहा 243G है और ये किसके अंदर, 11th शेड्यूल के अंदर, और इसके अंदर जो जो काम आते हैं वो ये है, ठीक है, इस तरीके के काम है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शोषक अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CAZRI भी, काजरी भी बोला जाता है, और ये कहाँ पर, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई, 1959 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, देखो इसके बारे में होगी,
ये इसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, ये जोधपुर के अंदर है। और डायरेक्टर पूछ लें, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रिपीट होंगे, यही है कि एक क्वेश्चन पे बेस पे तीन चार क्वेश्चन आते हैं तो वही घुमा के दे देंगे। तो डायरेक्टर पूछ लेंगे तो डॉक्टर ओपी यादव हो गया, ठीक है। इसकी स्थापना होगी 1959, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गया काजरी। ऐसा आ सकता है सी ए जेड आर एम, जेड क्या है तो जेड हो गया जोन, आर क्या है रिसर्च हो गया, ठीक है। इसका मोटो मेन उद्देश्य क्या, एनहेंसिंग रेजिलेंस ऑफ एरिड लैंड्स हो गया, ठीक है। इसकी पेरेंट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है, ठीक है। कौन सी संस्था, वो है राजशिको है, वो छोटे लघु उद्योगों से उनसे द्वारा जो भी निर्मित वस्तु है उनको खरीदती है, कौन, राजशिको। अगर राजशिको की बात करूँ फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ध्यान देना, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, उनसे द्वारा जो भी निर्मित वस्तुएं हैं उनको खरीदती हैं। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विचार किसके दिमाग की उपज है, तो ये उपज कंवर सेन की उपज है, ठीक है। कंवर सेन कौन थे, एक हाइड्रोलिक इंजीनियर थे, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं, एक तो देखो इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी नहर है, अब क्वेश्चन आ गया कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये हरिके बैराज से शुरू होती है, कहाँ से, हरिके बैराज से शुरू होती है और समाप्त कहाँ पर होती है, थार रेगिस्तान में समाप्त होती है। हरिके बैराज कहाँ है, पंजाब में, और थार रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। अब देखो इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया गया। तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पंजाब और पाकिस्तान के माध्यम से जो भी आने वाली नदियों हैं उनका पानी को मतलब राजस्थान में पहुँचाने के लिए एक हाइड्रोलिक इंजीनियर थे कंवर साइन ने इसकी कल्पना की थी, किसने की थी, कंवर साइन ने, ठीक है। और 1960 के अंदर बाद में क्या हुआ, एक समझौता हो गया किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, कब, 1960 में। तो देखो क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सतलज, ब्यास और रावी तीन नदियों के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, अगर बात करें इस नहर का उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958 को और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, तो कितने जिले हैं जिसमें थार रेगिस्तान फैला हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है अपने को, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो इसमें देख लेते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, आप इनमें देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, ठीक है। थार रेगिस्तान 12 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ। ये सब क्वेश्चन देखो बिल्कुल RSMWSP को हाई लेवल एग्जाम तो करवाता नहीं है और उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको आने चाहिए अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये देखो विलय कब हुआ, विलय हुआ 19 फरवरी 2003 को, और ये पूछ लीजिए आधिकारिक कब से काम करना स्टार्ट किया, यानी अधिकारी ये कागजों पे कब आया, तो ये आया 20 फरवरी 2003 को। तो मेनली इसका 19 फरवरी 2003 वाली डेट ही पूछते हैं, ठीक है। विलय कब हुआ, 19 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है, राजस्थान की सक्षम योजना क्या करेगी, जो लड़कियाँ होती है बालिकाएँ होती है उनको आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान के अंदर रिफाइनरी है जो राजस्थान सरकार और HPCL का इसमें कितना रेशियो है, शेयर पूछा है, तो राजस्थान सरकार का तो इसमें 26 और जो HPCL है उसका 74, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हो, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, आपको देखो ये कहाँ पर है और इसकी नींव किसने रखी, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको मैं सब बता देता हूँ। ये कहें बाड़मेर रिफाइनरी कहाँ पे, पचपदरा में एक तो, और इसका जो इनोग्रेशन वो पत्थर रखा था वो किसने की लग रहा था, नरेंद्र मोदी ने, और कब रखा था डेट पूछी जा सकती है, 16 जनवरी 2018, ठीक है, स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा। और कौन कौन थे साथ में, CM थे अपने वसुंधरा राजे, और साथ में कौन थे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइज ने धर्मेंद्र प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब देखो इसमें कॉस्ट की बात करें, अगर टोटल कॉस्ट पूछे तो ये कब कंप्लीट हो जाएगा, ये इस टाइम में, ठीक है। इसकी कैपेसिटी पूछे तो ये, HPCL का शेयर पूछे तो ये, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का शेयर पूछे तो ये, इसकी लोकेशन पूछे तो ये रही, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ में अगर बात करें इसमें HPCL की बात करें तो HPCL है,
इसका फाउंडेड हुआ था 1976 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में, और एमके सुराणा एचपीसीएल के सीएमडी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? तो मतलब राजस्थान की जितने भी जिले हैं ना, ये तीनों, इन तीनों में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं चल रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो पहला कौन सा? सूरतगढ़, और ये कहाँ पे है? गंगा नगर के अंदर। ठीक है, गंगा नगर। देखो ये है राजस्थान के पावर स्टेशंस, कौन सा कहाँ पे है और कौन सी क्या कैपेसिटी है। तो आपको ओनली क्या ध्यान देना है, कहाँ पे स्थित है, ये ध्यान देना है। इसके शॉर्ट ले लीजिएगा, यहाँ पे सूरतगढ़ का है, गंगानगर में, कोटा का है, कोटा में, छाबड़ा का है, तो मेनली सूरतगढ़ इंपॉर्टेंट हो गया। छाबड़ा पूछ सकते हैं क्योंकि ये नाम थोड़ा अलग से आता है बारह में। ठीक है, काली सिंध कहाँ पे है? ये झालावाड़ में। ठीक है, धौलपुर का है, ये नहीं पूछा जाएगा, क्यों? धौलपुर सेम सेम नाम है। ठीक है, गिरल पूछा जा सकता है, गिरल का है बाड़मेर में। ठीक है, ये स्टेशन है, आप इनको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और एग्जाम के लिए ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फेल्सपार है? राजस्थान के जो भी खनिज है उसमें फेल्सपार का प्रतिशत पूछा गया है, जो है 66%। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो जो खनिज है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये देखो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा आप यहाँ से जितने भी हैं। अगर कॉपर पूछे, कॉपर प्रोडक्शन है 40%। जिंक पूछे, जिंक पूछ सकते हैं क्योंकि ये पूरा 100% है। सबसे ज़्यादा 100% कहाँ है? राजस्थान के अंदर जिंक है। और बाद में लेड पूछे 85%, जिप्सम पूछे 94%, सिल्वर पूछे 76%, फेल्सपार देखो ये पूछा गया फेल्सपार 66%, एस्बेस्टोस और मिका, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य की स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? ओनली जो माई परियोजना है, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की, बाकी जो तीनों हैं इनमें किसी ना किसी दूसरे स्टेट का रेशियो है शामिल है। ठीक है, पार्टनरशिप शामिल है यानी दूसरे स्टेट्स की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माई। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार के कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताओ। जयपुर का कौन सा शासक था जो शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में उनके दरबार में कार्य करते थे? तो वो थे मिर्जा राजा जय सिंह। तो आंसर हो जाएगा ये, मिर्जा राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? राव माधो सिंह। तो आंसर हो जाएगा राव माधो सिंह। कौन से हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है भादवे में, यानी भाद्रपद में। नेक्स्ट बात करते हैं, चंपा के लिए आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये गले में पहना जाता है। तो आंसर हो जाएगा गर्दन। नेक्स्ट है, दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों का एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ और कौन से दक्षिणी राजपूताना, ये दो इंपॉर्टेंट नाम, दक्षिणी और हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था, किसने दिया था? ये दिया था गोकुललाल असावा ने। अभी गोकुललाल असावा कौन है इसके बारे में देखते हैं। गोकुललाल असावा, इनका ये जन्म हो गया, और साथ ही साथ में हम बात करें इनको, ये इनके बारे में पूरी डिटेल्स है आप देख लीजिएगा। इन्होंने एक कोटा में अजमेर नमक सत्याग्रह के लिए आए थे, बाद में इन्हें एक मुख्यमंत्री बनाया गया था, किसका बनाया गया था? जो मेवाड़ संघ ये था। गोकुललाल असावा को दक्षिणी पूर्वी रियासतों को मिलाकर बनाए गए संघ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? तो वो थे स्वाई प्रताप सिंह। क्या नाम लिखते थे? अपना उपनाम ब्रजनिधि। नेक्स्ट है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, जयपुर के अंदर बात हो रही है, तो ये की थी अर्जुनलाल सेठी। तो आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्वकर्ता था? कौन थे नेतृत्वकर्ता? वो थे जयदयाल। ठीक है जयदयाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा है? वो मोमल। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा का विषय है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी है, लेकिन राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, 1 से 25 तक हमने पार्ट वन में देख लिया। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अपने को ये दिए हुए हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान देना वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क नहीं है। नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य अलग अलग होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क की कैटेगरी है। ठीक है, तो इनको अपने को मैच करके बताना है कि ये कौन कौन सी जगह पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये नेशनल पार्क होता है, और नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल इंसान है उनको जाना मना होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि ये अपने
जानवर वगैरह रहते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नेशनल पार्क होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या होता है, इंसान अपना घर बना के रह सकता है, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर घर बना के नहीं रह सकता। तो ये मेन डिफरेंस है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ठीक है। यानी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क, अब इनको अपने को मैच करना है कि ये कौन कौन से है। देखो रामगढ़ कहाँ पे है, तो रामगढ़ है बूंदी के अंदर, तो पहले में आ जाएगा सी, रामगंड है बूंदी में, तो यहीं से अपना आंसर हो जाएगा। देखो चारों अपने को मिलन करने की जरूरत नहीं, एक से अपने को आंसर मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्यों, पहले में सी है तो रामगढ़ हो गया बूंदी में। ये ज्वार सागर कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा कोटा के अंदर। वन वी आर ये है धौलपुर के अंदर। ताल छपर सबको पता है चूरू, और सरिस्का कहाँ है अलवर। ये दो तो इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर पाँच में से दो का भी पता हो तो आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये राजस्थान के अंदर जो भी नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको मैंने एक जगह इकट्ठा किया, 20 है टोटल, 20 है ये। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इस पे ध्यान देना, केवलादेव गन्ना बर्ड सेंचुरी, ये है बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है भरतपुर, ठीक है। अब देखो रणथंभौर इंपॉर्टेंट, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, सरिस्का कहाँ है अलवर में, डेजर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट वाला जैसलमेर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में आता है, दर्रा कहाँ है कोटा में है, माउंट आबू कहाँ है माउंट आबू में, सीता माता कहाँ है प्रतापगढ़ में, केवला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करौली। इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना, केला देवी और केवला देवी, ठीक है, यह केवला देवी और यह है केला देवी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करौली के अंदर। चंबल कहाँ है कोटा में, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दस तो ये हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से, ठीक है। देखो नेक्स्ट आगे ईयर है, दस और ईयर है, माचिया सफारी जोधपुर के अंदर, रामगढ़ वाला कहाँ है बूंदी के अंदर। देखो ये आ गया क्वेश्चन से, मुकंदरा वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना मुकंदरा वाला बहुत बार पूछा जाएगा, ये मुकंदरा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखो, कोटा में। बारेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारेठा भरतपुर, जयसमंद एक ये इंपॉर्टेंट है, जयसमंद को लोग क्या करते हैं एग्जाम में जैसलमेर करके आ जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि जयसमंद सेंचुरी कहाँ पे उदयपुर में इंपॉर्टेंट है। ताल छापर है वो चूरू में, और ऑप्शन में कभी कभार चूरू की वजह से शेखावटी भी आ जाता है, इसलिए ये लिखा है, ठीक है। बस्सी कहाँ है चित्तौड़गढ़ में, गजनेर कहाँ है बीकानेर, एक ये भी इंपॉर्टेंट है गजनेर वाला, साजनगढ़ ये कहाँ है उदयपुर में, और टोडागढ़ कहाँ है ये राजसमंद। तो ये और है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है, तो बीड़ी में हम काम में लेते हैं तेंदु की पत्तियों का यूज, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना तेंदु की पत्तियाँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखो ये आ गया, ये भी पूछा गया गजनेर वाला, ये RSMWSB बोर्ड में, देखो अभ्यारण्य पे एक ही पेपर में दो बार क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब जो पहले था 26 नंबर वाला, पाँच अभ्यारण्य एक साथ और एक ये अभ्यारण्य और साथ, मतलब छह अभ्यारण्य पूछ लिए एक ही पेपर में। अब देखो ये गजनेर का है, अभी हमने देखा था, ये था बीकानेर के अंदर, तो आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है, थार पारकर इसको आप थार से याद रखो, और थार राजस्थान में कहाँ पे होता है, ये जो इस तरीके का जो राजस्थान का मैप है चौकुटा, और ये जो पाकिस्तान से लगता हुआ है जो थार है, थार रेगिस्तान, तो ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम, तो ये जो पश्चिम वाला है ना, पश्चिम शुष्क क्षेत्र, इसमें पाया जाता है थार पारकर नस्ल। लाल दोमट मिट्टी पाई जाने वाली ये कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, बात हो रही है लाल दोमट मिट्टी की, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। लाल दोमट मिट्टी, ओनली लाल नहीं है, लाल दोमट है, तो डूंगरपुर अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, एक खान है जिस खान का नाम नाथरा की पाल, ये खान का नाम है नाथरा की पाल, माइन है ये, माइन यानी खान है, कहाँ पर स्थित है, किस राज्य के अंदर स्थित है, अपने को ये राज्य मतलब राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये क्या है उदयपुर के अंदर, आंसर हो जाएगा उदयपुर। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है, लूनी बेसिन की बात हो रही है, तो यह पश्चिमी मरुस्थल का, ये भी लूनी साइड में, तो पश्चिमी मरुस्थल। अब देखो एक ये जो बालू का स्तूप होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्तूप बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की ढाल बनाते हैं, ठीक है, तो ये पूछे कौन सा बालू का स्तूप है जो मंद पौनामुखी ढाल और तीव्र पौनामुखी ढाल वाला होता है, कौन सा है वो, इस क्वेश्चन का आंसर है अपने पास कौन सा हो जाएगा, बरखान है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बरखान। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम होता है, तो कौन सी है वो है, सहरिया जनजाति किशनगढ़ में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, आप खुद एनालिसिस करो आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, आप यदि एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो, क्योंकि ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है, किसके अंदर सर्वाधिक, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना संरक्षित वन, आंसर हो जाएगा इसका संरक्षित वन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36। वरुण की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की भी हम बात करेंगे। जो वरुण 18 नामक व्यास है निम्न में से किससे संबंधित है? तो वरुण की बात हो रही है तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको नौसेना से संबंधित है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वरुण 18 कौन कौन से देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। अब बात करूँ भारत की जो तीन सेना है, थल, नभ और जो वायु, यानी वायुसेना हो गई और थल सेना हो गई जिसको हम आर्मी बोलते हैं नॉर्मली, और नेवी होगी नवल स्टाफ, ठीक है, और एयरफोर्स हो गई। इनके चेयरमैन के नाम आपको पूछे जा सकते हैं। तो नेवी के चेयरमैन कौन है? देखो नेवी के चेयरमैन है सुनील लंबा, एडमिरल सुनील लंबा, ठीक है, ध्यान देना। और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है एयरफोर्स वाले में और आर्मी वाले में। जो आर्मी की है वो है बिपिन रावत, और जो एयरफोर्स चीफ है वो है बीरेंद्र सिंह धनोआ, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 के अकॉर्डिंग। अपना क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं कि 2018-19 की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान में असह सहयोग का वेतन क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2500। इंपॉर्टेंट है महिला सुपरवाइजर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी में ही काम करती है, यानी आशा सहयोगिनी एक आंगनबाड़ी का स्टाफ होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो आंसर हो जाएगा 2500। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी स्टेशन के तहत स्मार्ट फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जैसलमेर। तो आंसर, जैसलमेर जो मिलिट्री स्टेशन है उसको स्मार्ट कैटेगरी के अंदर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत हुई? ठीक है, द्वितीय चरण की शुरुआत हुई 13 दिसंबर 2017 को। तो फर्स्ट चरण की शुरुआत कब हुई? वो हुई थी 13 दिसंबर को हुई, और कब? 2015, ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट चरण और सेकेंड चरण, देखो भामाशाह योजना सरकार की महिला वित्तीय सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना है। मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने 15 अगस्त 2014 को मेवाड़ अंचल के उदयपुर शहर से इस योजना का शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि शुभारंभ कहाँ पे किया? उदयपुर शहर से। कब किया इसका शुभारंभ किया और इसने जो प्रारंभ कब से किया? शुभारंभ किया यानी 15 अगस्त 2014 को, तो इसको शुभारंभ किया, और इसने कार्य प्रारंभ कब से किया? 13 दिसंबर 2015 से, और इसका जो दूसरा चरण हुआ वह था 13 दिसंबर 2017 को। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखो। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम प्रकाश मिठारवाल ने हाल ही के राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो उसने जीता है किसके, राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है उसमें जीता है कांस्य पदक। अब हम बात करते हैं ओम प्रकाश मिठारवाल की। देखो ये है ओम प्रकाश मिठारवाल, ठीक है, ये एक इंडियन शूटर है, ठीक है। सबसे पहले अपने को इसका स्पोर्ट्स पता होना चाहिए, तो स्पोर्ट्स क्या हो गया? शूटर। अब इसने क्या किया, क्वेश्चन अलग से आ सकता है। देखो 2018 के अंदर जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? गुदान जारा के अंदर, ठीक है, उसके अंदर तो इसने गोल्ड जीता इसके अंदर ISSF। अब ये क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकते हैं कि जो ओम प्रकाश मिठार वाले ने, उसने 2018 ISSF वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता? तो हो गया गोल्ड। और क्वेश्चन अपना जो अभी एग्जाम में पूछा गया था वो था ब्रॉन्ज जीता था किसके अंदर? कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, और वो कहाँ पे हुए थे? गोल्ड कोस्ट के अंदर। तो गोल्ड कोस्ट के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, देखो गेम का ध्यान रखना है आपको, ये तो था कॉमनवेल्थ गेम्स आता है तो लगाना है ब्रॉन्ज, और ISSF वर्ल्ड कप आता है तो लगाना है अपने को गोल्ड पे निशाना, ठीक है। ये है अपने ओम प्रकाश मिठारवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बटाड़ू कुआ राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? देखो बटाड़ू कुआ क्या है कि बाड़मेर के अंदर स्थित है, 1947 के अंदर अकाल पड़ा था, तो वहाँ पे क्या होगा, रेगिस्तान के अंदर बाड़मेर के अंदर अकाल के कारण यही एक कुआ था जिसने लोगों की प्यास बुझाई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इस कुएं का जो निर्माण थे वो थे रावल गुलाब सिंह ने। अब ये बटाड़ू कुआ पूछ लिया कहाँ है? बाड़मेर में, ठीक है, 1947 के अंदर अकाल पड़ा था, तो ये आप इसको देख लेना, ये रावल गुलाब सिंह, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया था। आयुष्मान भारत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो आयुष्मान भारत का संबंध स्वास्थ्य से है। इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स में हम देखते हैं, पहले क्या है आयुष्मान भारत योजना, इसके देखो कई नाम है, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देखो कितने नाम इसके, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या योगी पीएमजेएवाई
PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मोदी केयर भी बोलते हैं, जैसे ओबामा केयर है अमेरिका के अंदर, वैसे ही अपने मोदी केयर बोल दिया इसको। यह है कि हेल्थ से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, हेल्थ से संबंधित, इसके पूरे नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात, इसका जो लॉन्च किसने किया था, लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने, और कब किया था, 14 अप्रैल 2018 को, ठीक है, 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया, और कहाँ पे लॉन्च किया, यह आ सकता है, ठीक है। तो ये देखो, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था न्यू इंडिया के ऊपर, मतलब न्यू इंडिया 2022 को फोकस करते हुए। अब इसकी ये एक अम्ब्रेला और इसके दो मेजर हेल्थ इनिशिएटिव हैं, इसके दो उद्देश्य, एक तो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी NHPS। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट आते हैं, इसके हेड कौन है, जो इंदु भूषण है, कौन, इंदु भूषण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसके जो PMJAY है, इसके CEO कौन है, CEO कौन है, इंदु भूषण। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके CEO कौन है, तो हो जाएगा अपना आंसर इंदु भूषण, ठीक है। अगर डिप्यूटी CEO पूछ लें, डिप्यूटी CEO है दिनेश अरोड़ा, और ये जो दिनेश अरोड़ा है ना, ये आपका जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग उसके डायरेक्टर है यानी निदेशक है। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, चेयरमैन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार, ध्यान देना, राजीव कुमार, और निदेशक हो गए दिनेश अरोड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयोग है यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो वह है KV चौधरी, CVC, ठीक है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विवाद चला था, आलोक शर्मा को हटाया गया था, और जो राकेश अस्थाना के बीच में जो विवाद चला था, और बाद में तीसरे नंबर पे एक जो अलग लाए थे उसको नागेश्वर राय को लेके आए थे, यानी जो आलोक वर्मा थे ये क्या थे, CBI के डायरेक्टर थे, और एक थे डिप्टी डायरेक्टर थे राकेश अस्थाना, उनके बीच विवाद हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, CVC की सिफारिश पे, मतलब जो केंद्र सरकार है उसने CVC की सिफारिश पे दोनों को हटा दिया, और नागेश्वर राय को CBI का डायरेक्टर बना दिया। तो अभी जो CBI के डायरेक्टर कौन है, नागेश्वर राय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा, ये आलोक वर्मा वाला और राकेश अस्थाना वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू रहा था आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना। आलोक वर्मा तो कौन थे, CBI के डायरेक्टर, और ये थे CBI के डिप्टी डायरेक्टर, और नए डायरेक्टर कौन है, नागेश्वर राय, ठीक है, और KV चौधरी अपने ये CVC। अब देखो, गरडा वृद्ध पेयजल परियोजना, ये एक पेयजल परियोजना है जिसके मतलब पेयजल से आधारित परियोजना, ये राजस्थान के कौन से जिले में संबंधित है, तो ये बूंदी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जून 2018 में की गई घोषणाओं के अनुसार भारत में वर्तमान रेपो रेट के, तो इस क्वेश्चन को आप जब भी एग्जाम देने जाओ एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। अब ये जून 2018 होगी, इसके बजाय अब जो आएगा, अगर आपके अभी आता है एग्जाम ये क्वेश्चन अक्टूबर के बाद, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये लगाना है, रेपो रेट पूछी तो रेपो रेट लगानी है आपको 6.50। अब यदि वर्तमान में आपके एक दो महीने के अंदर कोई एग्जाम है, तब आपको रेपो रेट लगाना है 6.50, और रिवर्स रेपो रेट पूछे तो 6.25, और MSF पूछे तो 6.75, और बैंक रेट पूछे तो 6.75, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो 6.50 क्या होता है, बैंक जैसे ये तो होगी अपनी RBI, और एक बैंक और मान लेते हैं हम, कोई सी भी SBI मान लो या PNB मान लो, ठीक है। अब देखो, RBI ने इसको दिया लोन, तो ये हो जाएगा रेपो रेट, मतलब RBI ने इसको दिया, और ये जो SBI वापस RBI को देगी, कब देगी, अगर SBI वापस इसको कुछ रुपए देती है तो वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना, यानी RBI ने दिया तो ये रेपो कितना होता है 6.50, ठीक है, और रिवर्स रेपो कितना होता है 6.25, ठीक है। अब एक देखो, इसको ऐसे याद रखो, ये 6.50 को बीच में रखो, एक इससे 25 कम कर दो, एक इससे 25 ज़्यादा कर दो, ठीक है। ये जो 6.50 है इसको रेपो में रख दो आप, और 6.25 है इसको रिवर्स रेपो में कर दो, और ये रिवर्स रेपो कर दो, और जो इधर है उसको MSF कर दो, या इसको बैंक रेट भी बोल सकते हो आप, ऐसे याद कर लो। मतलब बीच में रिवर्स रेपो को रखो, रिवर्स में इधर ये रख दो, और बाकी दो इधर रख दो, इस तरीके से याद कर लो। ये CRR और SLR क्या होते हैं, जो ये बैंक के होते हैं ना, इनको इतना तो कैश रिजर्व रखना जरूरी है, CRR 4%, और PN और इनका जो SLR होता है वो आता है 19.5%। अब बात करते हैं हम इसकी RBI के कुछ फैक्ट्स की। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, RBI के गवर्नर का नाम बताऊँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन, ये RBI के गवर्नर कौन है, 25th नंबर के, और जो 24th नंबर के भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके, वो कौन थे, उर्जित पटेल,
ठीक है, और ये डिप्टी गवर्नर, तो क्वेश्चन आपको सब डिप्टी गवर्नर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस शहर में भारत सरकार भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगी, ठीक है, तो वो करेगी भोपाल के अंदर। तो आप बताइएगा आईटी मिनिस्टर कौन है, आईटी मंत्री कौन है भारत के, जो कानून मंत्री है वही आईटी मंत्री है, और कानून मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भारत की जो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है जिसको बोलते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये किसने लॉन्च किया है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अब इसमें क्या करते हो, लाइब्रेरी समझ के आप शिक्षा विज्ञान तकनीक मंत्रालय पर कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। ये किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, एचआर मिनिस्टर ने, एचआर डिपार्टमेंट ने, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और अभी मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, ध्यान देना प्रकाश जावड़ेकर अपने मानव संसाधन विकास मंत्री या कहे तो शिक्षा मंत्री। वित्त मंत्रालय किसके पास है, अरुण जेटली वित्त मंत्री, ठीक है, और ये सूचना तकनीकी मंत्रालय किसके पास है, आईटी मिनिस्टर अपने रविशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है, तो इसका नाम है अथॉरिटी, हटा दो आप यहाँ से स्पोर्ट्स इंडिया, तो आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स इंडिया, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोले तो खेल मंत्री कौन है, खेल मंत्री अपने राजस्थान के हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल कौन है, तो उपराज्यपाल है अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और सीएम हो गए अपने अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार की जो वंदन योजना का लक्ष्य क्या है, इस क्वेश्चन के बारे में अपने को बताना कि वंदन योजना का लक्ष्य क्या है, तो ये हो जाएगा जनजाति होते हैं यानी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है ना, आदिवासी कम्युनिटीज़ होती हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण यानी उनको मजबूत करना पैसों के मामले में, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018, एक तो डेट याद रखनी है आपको 14 अप्रैल 2018, एक नाम याद रखना है नरेंद्र मोदी, दो क्वेश्चन, एक लोकेशन याद रखनी है बीजापुर छत्तीसगढ़, तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। जनधन योजना किसने लॉन्च की, नरेंद्र मोदी, कब लॉन्च की, 14 अप्रैल 2018, कहाँ पे लॉन्च की, बीजापुर छत्तीसगढ़, ठीक है, और किस उपलक्ष्य पे लॉन्च की, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से बन सकते हैं, अम्बेडकर जयंती पे, ठीक है, इसका नाम है वंदन योजना। इसमें तीन योजनाएं शामिल है, वंदन, जनधन और गोबरधन, ठीक है, ये सब जनजाति ग्रामीण है, उनकी आर्थिक व्यवस्था को बदलने की अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। अब ऐसे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाए तो अपन कैसे आंसर दे सकते हैं, जो इस एरिया के आसपास में है वो कैंडिडेट तो आराम से आंसर दे देंगे, लेकिन इस तरीके के क्या है कि 4-5 क्वेश्चन आपके जरूर आ ही जाते हैं। तो ये इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र ये कोटा के अंदर कोई ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र नहीं है, ये अपना नॉर्मल इंडस्ट्रियल एरिया है और उस इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है इंद्रप्रस्थ, ठीक है, अपने जैसे रिको नहीं होता क्या इंडस्ट्रियल एरिया, वैसे ही कोटा के अंदर जो है उसका नाम दे दिया इंद्रप्रस्थ, और ये कहाँ पे, कोटा में, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, राजस्थान देश का एकमात्र उत्पादक है, यानी ये जो इतने आइटम्स हैं इनमें से कौन सा आइटम है, कौन सा मिनरल्स है जो ओनली राजस्थान में पैदा होता है, ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा इसमें जेस्पर, सीसा, जस्ता और वोलेस्टेनाइट, ठीक है, ये ओनली राजस्थान के अंदर पैदा होते हैं। राजस्थान इज द सोल प्रोड्यूसर, सोल प्रोड्यूसर का मतलब हो गया ओनली एक अकेला प्रोड्यूसर, किसका, लेड का हो गया, जिंक का हो गया, और यानी अयस्क, लीड और जिंक के अयस्क का, सीसा, लीड एंड सीसा, जिंक यानी जस्ता, सेलेनाइट एंड वोलेस्टेनाइट, ठीक है, इन सब का, तो आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बेसिस क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और वो भी हम सब देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के रखिएगा, और इस पे क्वेश्चन आपका एक जरूर आएगा, और वो किस तरीके से आएगा मैं आपको बताता हूँ। अभी ये कह रहा है कि लघु उपक्रम का मतलब हो गया स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए जो प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है। देखो दो प्रकार की है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक तो है जो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, यानी एक तो मैन्युफैक्चर करती है और एक क्या करती है, ओनली सर्विस करती है। जैसे सर्विस का मतलब हो गया जैसे कोई इक्विपमेंट चाहिए तो ये क्या करेगी, इक्विपमेंट की सर्विसिंग करेंगे ओनली। मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया इस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हो गया, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होएगा, तो दो प्रकार की। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसका पूछा गया है कि इसके अंदर भी तीन होंगे, स्मॉल होगी, एक माइक्रो होगी और एक मीडियम होगी, तीन होगी, और इसमें भी तीन होगी, स्मॉल, माइक्रो और मीडियम, ठीक है, ये तीनों है। और तो इसका पूछा कि इसके अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो निवेश की सीमा है वो कितनी है, ये अपने को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 लाख से 5 करोड़। अब आगे देखो, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, एसएमई की फुल फॉर्म होती है स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज, ठीक है। ये इंडिया के अंदर है, जहाँ पे क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट के अंदर और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। एक तो क्या होगी, एक तो ये होगी प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरी क्या होगी, इक्विपमेंट। इनके अंदर 25 लाख से 10 करोड़ के बीच में। अब ध्यान देना, ये रेंज कहाँ से है, 25 लाख से 10 करोड़, ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक मिनिमम। ये पूरे की बताइए, पूरे की। इसके अंदर दो सेक्टर हैं, एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक हो गया सर्विस सेक्टर। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें तीन है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, और सर्विस का मतलब होता है जहाँ पे चाहिए वाली जो भी मशीनें हैं उनकी कोई सर्विसिंग करे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर माइक्रो की पूछे तो 25 लाख से कम, यानी 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस्माल की पूछे, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी RSMEE में। अब यहाँ 6 क्वेश्चन बनते हैं, 6 और एक ये पूरी रेंज पूछ ले, टोटली पूछ ले 25 लाख से 10 करोड़। अब देखो 7 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकते हैं। ध्यान देना, इस चीज़ का ध्यान देना है, ओनली मैनुफैक्चरिंग का और सर्विसिंग का। अगर मैनुफैक्चरिंग का पूछे तो ये रेंज रखनी है आपको, 25 लाख से कम, 25 से 5 करोड़ और 5 करोड़ से 10 करोड़। और सर्विस की पूछे तो माइक्रो की 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्मॉल की 10 से 2 करोड़ और मीडियम की 2 से 5। तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है। अब देखो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था, एक पहले पेपर था हमने जो पार्ट वन किया था उसी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, कि ये 4 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन और था उसमें, मैं आपको याद दिला देता हूँ, माई परियोजना नाम था, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, इनमें से ओनली राजस्थान की स्वामित्व वाली परियोजना कौन सी है, ओनली राजस्थान की। तो आंसर था माई परियोजना। क्यों, क्योंकि इन तीनों में किसी ना किसी दूसरे राज्य का इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे राज्य शामिल है। अब भाखड़ा नंगल, चंबल परियोजना, ब्यास परियोजना, इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सभी। क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, कौन सी परियोजना जिस जो राज्यों के साथ सहभागिता है, यानी इसमें भी राज्य दूसरा राज्य है, इसमें भी राजस्थान के साथ दूसरा है, इसमें भी दूसरा है, ओनली जो माई है उसमें राजस्थान अकेला है। देखो यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, पंजाब में भाखड़ा नंगल की बात करिए, कहाँ पर है, पंजाब में। चंबल परियोजना की बात करेंगे, व्यास की करेंगे, तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब ये किस किस की है, राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की, ठीक है। और राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें 15.2%। चंबल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की है, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल किसकी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल परियोजना का जो प्रथम चरण है उसमें गांधी सागर बांध, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में ज्वार सागर बांध बनाए गए। तो अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, चंबल। राणा प्रताप सागर किस नदी पर है, चंबल। ये किस पे, चंबल परियोजना, ठीक है। और अभी चंबल है, कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ से उद्गम है इसका, तो इंदौर जिले के जनापाव नामक स्थान से, ये हो गया। और मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की है। व्यास परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीन राज्यों की है, ठीक है। ये दो प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा। अब ये रावी, सतलज और व्यास तीन नदियों का पानी किस में आता है, व्यास के अंदर, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको हम बोले RRVUNL, ठीक है, जिसकी अभी काफ़ी वैकेंसीज आई थी इसमें, RRVUNL इसकी बात हो रही है। तो इसमें क्या करती है ये RRVUNL, इसका क्या काम है, सरकारी क्षेत्र में पावर प्रोजेक्ट का विकास करना, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इजीली समझ में आएगा, डेवलपमेंट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट सेक्टर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये डेवलपमेंट भी करेगी और ऑपरेशन मेंटेनेंस भी करेगी, तो दोनों अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है, राठौड़, राजपूत। वैसे सभी राजपूत हैं, लेकिन ये जो भाटी है ना, ये अपने आप को कभी कभार यादव राजवंश भी बताते हैं, तो आंसर हो जाएगा भाटी इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये सभी वंश के बारे में बताए। देखो भाटी को भट्टी भी बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के राजपूत कबीले हैं। भाटी राजपूत जिसे बरगला भी कहा जाता है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं बरगला किसे कहा जाता है, ऑप्शन वही चारों दे दिए, तो भाटी राजपूत को, ठीक है। ये किस मूल के होने का दावा करते हैं, चंद्रवंशी मूल। अब देखो भाटी कबीले कभी कभी पुराने नाम यादवपति, यादवपति यानी यादव हो गए, कृष्ण या यदु या यादव से उनके वंश को दर्शाते हैं,
हो गया। सिसोदिया वंश की बात करें तो ये गहलोत या सिसोदिया एक राजपूत वंश है, ठीक है, और ये अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं, ठीक है। सिसोदिया वंश का उद्गम कुछ लोगों का कहना है गुजरों से हुआ और कुछ का कहना है जाटों से हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ गुजर आ गए यहाँ यादव थे, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकते हैं, ठीक है। राठौड़ है वो एक अपने आप को राजपूत गोत्र है और ये सूर्यवंशी राजपूत मानते अपने आप को। जो कछुआ है वो क्या है, सूर्यवंशी राजपूतों की एक शाखा है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ऑप्शन क्वेश्चन ये से आ सकते हैं। 62 वंशों के प्रमाण किसमें मिले हैं, चार ऑप्शन ये दे देंगे, तो 62 वंशों के प्रमाण मिले कछुआ में, तो ये आगे बढ़ते हैं। अजमेर शासक का संस्थापक कौन था, तो अजयराज, अजयपाल मत कर देना, अजयराज इसका आंसर होगा, ठीक है। अजमेर के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। यह अरावली पर्वत श्रृंखला श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर एक, तारागढ़ पहाड़ी को याद रखना है अपने को, अजमेर कहाँ स्थित है, तारागढ़ पहाड़ी पे। किसने बसाया था इस नाम का, पहले अजयराज सिंह नामक एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था, क्वेश्चन नंबर दो यहाँ से, पहले क्या नाम था इसका, अजय मेरू, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अनासागर झील कहाँ है, अजमेर में, फॉय सागर झील कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है, अजमेर में। डायदीन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। 40 स्तंभ कहाँ है, डायदीन के झोपड़े में। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनते हैं। और ये जो 40 स्तंभ है वो नए, इसमें जो भी है वो नए नए प्रकार की नक्काशी से बने हैं, ठीक है। और तारागढ़ पहाड़ी की चोटी पर एक दुर्ग भी है, तो इम्पोर्टेंट है, तारागढ़ पहाड़ी पर अजमेर स्थित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है, ठीक है, तो कहा है दिवेर के युद्ध को। दिवेर के युद्ध को क्यों कहा है, इसके बारे में देखो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हल्दीघाटी युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 18 जून होता है कई किताबों में, कई में 21, तो मोस्टली 18 आता है, तो 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था, खमनौर हल्दीघाटी, ठीक है। इसको गोगुंदा का युद्ध भी बोलते हैं, हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी बोलते हैं, इसी का नाम है गोगुंदा का युद्ध, ध्यान देना, ठीक है। इसमें इसका जो रिजल्ट रहा वो अनिर्णायक रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। योद्धा कौन थे, सम्राट अकबर की तो मुगल सेना थी और महाराणा प्रताप, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है, जो ये जो यहाँ पे है राजा मानसिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था मुगल सेना का, तो राजा मानसिंह ने किसकी सेना का नेतृत्व किया था, मुगल सेना का, ठीक है। और ये युद्ध हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, डेट याद रखनी है, जगह याद रखनी है, रिजल्ट क्या रहा ये याद रखना है अपने को, ठीक है। कुंभलगढ़ का युद्ध क्या हुआ, 76 के बाद में बात आती है 77 में, 15 अक्टूबर 1977 को कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। और अब यहाँ पे तो राजा मानसिंह थे और यहाँ पे अकबर ने किसको भेज दिया, शाहबाज खान को, तो ये शाहबाज खान के तो नेतृत्व पूछा जा सकता है, तो ये शाहबाज खान के नेतृत्व में होता। और दिवेर का युद्ध मोस्ट इसलिए है, देखो इस पे क्या है, अक्टूबर 1582 में, एक तो यह चीज़ याद रखनी है, अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इसमें मुगल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का चाचा सुल्तान खां था, एक ये चीज़ याद रखनी है, दिवेर के युद्ध में किसने नेतृत्व किया, सुल्तान खां, ठीक है। विजयदशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी जो सेना थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया, और जो पहली टुकड़ी थी उसकी कमान स्वयं महाराणा के हाथ में थी, और दूसरी टुकड़ी की कमान किसने की थी, उनके पुत्र अमर सिंह के हाथ में थी, ठीक है। अब देखो यह इसमें देखो यह मैराथन ऑफ मेवाड़ ये किसने कहा था, कर्नल टॉड ने कहा था मैराथन ऑफ मेवाड़, क्यों, इसमें महाराणा प्रताप ने क्या किया, जो घोड़े से ही थी दो टुकड़ों में काट दिया था मुगल के सेनापति को, ठीक है, देखो दो टुकड़ों में काट दिया था। अब देखो कर्नल टॉड ने अपनी किताब क्या नाम था, थर्मोपली ऑफ मेवाड़, हल्दीघाटी को क्या कहा था इसने, थर्मोपली ऑफ द मेवाड़ की संज्ञा दी थी, वहीं दिवेर के युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन, ठीक है। अब देखो हल्दीघाटी को क्या कहा था, थर्मोपली ऑफ मेवाड़, और युद्ध को क्या कहा था, मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, यानी मैराथन ऑफ मेवाड़। आगे बढ़ते हैं, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह फतिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया था, वो था समाचार पत्र प्रताप, और ये हुआ कब था, ये हुआ था 1847 के अंदर आरंभ हुआ था, क्या हुआ था, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन, तो आपको ये डेट याद रखनी है, ये ईयर याद रखनी है, 1847 किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, विजय सिंह फतिक के नेतृत्व में हुआ था ये बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट बढ़ते आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था, तो हुआ था जयपुर के अंदर आज़ाद मोर्चा का गठन। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था, किसकी बात हो रही है, जब रियासतों का एकीकरण चल रहा था उस टाइम थे ये हनुमान सिंह, और अभी कौन है, गजेंद्र सिंह है क्या, अभी वर्तमान में वहाँ के अभी तो कोई राजा है नहीं, वैसे गज सिंह बोलते हैं इनको,
नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। जो ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास में बोला जाता है वहाँ पे मराठी भाषा का प्रभाव है। मारवाड़ी बोली जाती है उधर जोधपुर बाड़मेर साइड में, मेवाड़ी ये हो गई उदयपुर साइड में, और मालवी होती है जो MP से अटैच जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बोली जाती है मालवी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बारे में, अपने को मैच करना है कि कौन सा इनमें सही है, ये सब डांसेज है इनको, इनसे अपने को मिलाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेजा को हम किससे मिलाएंगे, नेजा को बेल से, और जो एंडोनी है इसको मिलाएंगे हम कालबेलिया से। तेरा ताली किसका है वो है कामड़, और जो वालर है वो किसका है ग्रासिया का। इस तरीके से हम इस पर आंसर लगाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट बात करते हैं आगे। निम्बार्क की पीठ की बात हो रही है, निम्बार्क संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, ये सलेमाबाद में है, और ये कहाँ पर पड़ती है, ये किशनगढ़ के पास में है सलेमाबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सलेमाबाद। अब देखो इसके बारे में आप देख लो, ये तो है निम्बार्क भगवान, कौन है निम्बार्क भगवान। ठीक है, ये कहाँ पे है, रूपनगढ़ के पास किशनगढ़, और किशनगढ़ से लगभग 19 किलोमीटर दूर सलेमाबाद गांव में निम्बार्क आचार्य संप्रदाय की पीठ है स्थित है। ठीक है, और ये भगवान सर्वेश्वर की मूर्ति पूजनीय है, किसकी, भगवान सर्वेश्वर की, और वस्तुतः वैष्णव चतुर संप्रदाय में श्री निम्बार्क संप्रदाय का अपना विशिष्ट स्थान है। तो यह निम्बार्क भगवान, ये कुछ आभूषण से कहाँ पहने जाते हैं अच्छे से पता है आपको तो। ठीक है, आप ये अगर महिला सुपरवाइजर की एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ही पता ही होगा महिलाओं को, तो झेला जमेला पिपला पत्रा अंगोटा किस अंग में पहने जाते हैं, कान के अंदर। नेक्स्ट है जयपुर का परंपरागत शिल्प क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा के रख लीजिएगा, वो है ब्लू पॉटरी। देखो ब्लू पॉटरी क्या होती है, ब्लू यानी नीला, ये इस तरीके की होती है ब्लू पॉटरी। ठीक है, ब्लू पॉटरी ये है ब्लू पॉटरी। देखो ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है, इसमें हरे और नीले रंग का प्रयोग होता है। ये कौन लेके आया था, अकबर के समय ईरान से लाहौर आई, और लाहौर से कौन लेके आया, जयपुर के राजा थे राम सिंह। ठीक है, सर्वाधिक विकास हुआ था किसके, राम सिंह द्वितीय के समय। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, राम सिंह द्वितीय के समय। और राम सिंह द्वितीय ने क्या किया, इसको सीखने के लिए एक कुमार था कालोराम कुमार और एक चूड़ामन कुमार, उनको सीखने के लिए दिल्ली भेजा था। ठीक है, ये सब कुछ इसके बारे में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में भामाशाह योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन मत हो जाना, कब लागू की गई थी। अब देखो भामाशाह योजना कब लागू की गई थी, जो बीजेपी की पहले गवर्नमेंट थी 2008 के अंदर उस टाइम इसको लागू किया गया था, लेकिन जैसे ही सरकार बदल गई कांग्रेस की आ गई तो ये क्या है, ये फिर से ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन बाद में जैसे वापस से 2013 में बीजेपी की सरकार बनी तो इसने वापस से इस योजना को लॉन्च किया। तो ऑप्शन में देखो 95, 2, 98, 2008 कुछ ये दे रखे हैं, तो अपने को 2008 पे टिक लगाना है। ठीक है, लेकिन इसका बाद में दोबारा से सरकार आई, उसमें क्या हुआ कि 15 अगस्त 2014 को मेवाड़ अंचल के उदयपुर शहर से इस योजना का उसने पुनः शुभारंभ किया। ठीक है, और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का जो पहला चरण है वो 13 दिसंबर 2015 को हुआ, और दूसरा चरण हुआ था 13 दिसंबर 2017 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था। रोजगार की बात हो रही है, रोजगार से जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया था, वो था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये था ELSTP। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये देखो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की बात हो रही है, आदर्श ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, तो ये तो शायद सब करके आ जाएंगे। आदर्श ग्राम पंचायत की होगी, इसका मतलब अपना गांव है वो अच्छी तरीके से विकसित होना चाहिए, उसमें सब सुविधाएं होनी चाहिए, मतलब महिलाएं युवाएं हैं उनके प्रति किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, इस तरीके के मतलब है। तो इसमें देखो, इसमें चयनित गाँव के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई, जो जो गाँव सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, यानी ये सही है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा, तो यह भी सही है। ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देना, यह भी सही है। यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने की बढ़ावा देता है, तो खेती वेती से इसमें मतलब नहीं है, कृषि वर्षी, तो ये मतलब ये इसका गलत हो जाएगा, और इसमें तीनों सही है, तो क्या सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था। ये एक्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको गलत मत करके आ जाना। पंचायती राज है, ये एक्ट है 1953, इसको संशोधित कब किया गया था, वो किया गया था 1994 के अंदर, तो आंसर हो जाएगा ये। अब कुछ क्वेश्चन है इस पर कि इसकी शुरुआत कब हुई थी पंचायती राज की, इसकी हुई थी 2 अक्टूबर
1959 को हुई थी, और कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से, और गांव कौन सा था? बगदरी गांव था, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था इसका। आगे बढ़ते हैं। 1718 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना है? वह है 35.30 लाख टन। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? ये जयपुर के अंदर है, मिल है, और ये मिल क्या है कि जो भी कॉटन और सिंथेटिक जो भी धागे हैं उनको बनाती है, तो इसका स्थापना हुई थी 1939 के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल दिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्वेश्चन नंबर 74, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए थे, उसमें से एक कार्यक्रम ये भी था सूखे से लड़ने के लिए, तो वो चलाया गया था 1973-74 के अंदर। अब देखो, मरुस्थल विकास, ये तो इजी क्वेश्चन है, कर दोगे। केंद्र का और राज्यों का रेशियो पूछा, तो केंद्र बड़ा होता है या राज्य बड़ा होता है, और मरुस्थल विकास की बात हो रही है इसके अंदर, मरुस्थल विकास की बात हो रही है, तो केंद्र का इसमें है 75% और राज्य का है 25%, यानी 75:25। कि पिंक बॉल वर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? सबसे पहले मैं बात बताऊँ पिंक बॉल वर्म है क्या चीज़। ये एक कीट है, जिसको बोले तो कीड़ा है ये, ठीक है। ये कपास की फसलों के लग जाता है, कपास की फसलों पे लगता है, तो आंसर हो जाएगा कपास। अब ये हो गया कीड़ा। ये जैसे अपना उत्पादन 100% हो रहा है, तो उसमें से 20-25% अपना उत्पादन ये कम कर देता है, तो उत्पादन कम कर दिया इसने। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कीट है ये कौन से संघ से आता है? आपसे अगर इसका संघ का नाम पूछ ले तो ये आर्थ्रोपोडा, ये क्वेश्चन साइंस में पूछ सकते हैं इसी का। अब इसका अगर आपको ये बायोनॉमिकल नेम पूछे, इसका जो वैज्ञानिक नाम पूछ ले, वो है पेक्टिनोफ ओरा गोसी पीला, ये इसका नाम है, और तो ज़्यादा इससे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से निम्न में से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा सकता है, अभी वर्तमान में अब तक हम दूसरी सिटीज़ में कौन सा यूज करते थे? तो BS4 यूज करते थे, लेकिन अब दिल्ली उसमें BS6 को लागू कर दिया, और कब से लागू किया? 1 अप्रैल 2018। क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर BS6 को कब से लागू किया? अप्रैल 2018, अप्रैल 2017, इस तरीके से ऑप्शन बना देंगे, तो आंसर हो जाएगा अब BS6। BS है क्या चीज़? BS का मतलब भारत स्टेज, भारत स्टेज। अब क्या हुआ, इंडिया वर्ल्ड की टॉप 10 पॉल्यूशन सिटीज में आता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटीज में आता है, और दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा ही प्रदूषित है। दिल्ली तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्यों होता है? नंबर 1 में आता है। अब इसमें क्या हुआ, अपना जो फ्यूल है, ईंधन है, उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए, उसके अंदर जो प्रदूषण होता है ना, जो धुएं में आता है, उस प्रदूषण को कम करने के लिए जो ईंधन का लेवल है वो BS4 से BS6 पे कर दिया है। अब जो गाड़ियाँ चल रही है दिल्ली के अंदर, उसमें BS6 पे आधारित गाड़ी चल रही है, और जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती है वो भी BS6 को फॉलो करते हुए बनाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा BS6। भारत स्टेज एक ईंधन की क्वालिटी का मानक है। भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किससे है? अब देखो क्वेश्चन, आदित्य हम बोलते हैं सूर्य को, अब ऑप्शन हो जाएगा अपना सूर्य। क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है? भारतीय मिशन सूर्य से संबंधित है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन हो जाएगा आदित्य L1, आदित्य L2, आदित्य L3, आदित्य L4। किस तरीके से भी क्वेश्चन को एडिट कर देंगे, जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन को चिपका दे आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आदित्य L1। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आदित्य L1 को कब लॉन्च किया जाएगा? अभी तक लॉन्च नहीं किया है, पहले डिसाइड किया था कि 2019-20 के अंदर लॉन्च कर देंगे, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया हम 2021 के अंदर इसको लॉन्च करेंगे। और इसकी अवधारणा कब आई, यानी इसको बनाने की ये सोच कब आई, इनकी अवधारणा कब आई, वो आई थी आपकी जनवरी 2008 में। तो क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है इन पर आधारित। भारत की पहली जैव मिथेन बोलते हैं, बायोगैस को भी बोलते हैं, बायोगैस आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा टाटा। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप, जो क्वेश्चन बन सकता है दूसरा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? बहुत सी एग्जाम में पूछा जा चुका है और हो सकता है पूछ ले। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो है एन चंद्रशेखरन। एन का मतलब है नटराजन, तो नटराजन चंद्रशेखरन होगा, या ऑप्शन में आ सकते हैं N चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप के फाउंडर पूछिए आपको कौन है, तो जमशेद जी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक, सबसे पहले
थोक मूल्य सूचकांक का अपने को पता होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक किसे आधार वर्ष माना जाता है। थोक मूल्य सूचकांक वो होता है जिसमें बहुत सी वस्तुओं का औसत मूल्य डिसाइड होता है, जितनी भी वस्तुएं हैं औसत मूल्य डिसाइड होता है, और उसी मूल्य के आधार पर जो महंगाई दर है वो ज्ञात की जाती है, महंगाई दर का पता लगाया जाता है। अगर राजस्थान आपके क्वेश्चन में आता है तो आपको लगाना है 1999-2000, और राजस्थान की बजाय यहाँ पे पूछ लिया कि भारत के अंदर इंडिया में पूछे तो इंडिया में थोक मूल्य सूचकांक के लिए इन्हें किसे आधार वर्ष माना गया, तो आपको टिक लगाना है 2011-12। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा अपना 1999-2000, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है। अब देखो, हम इंसान लोग LIC करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, ताकि अपनी कोई दुर्घटना हो जाए या अपने कोई बीमारी हो जाए, उससे मृत्यु हो जाए, तो अपने को कुछ ना कुछ बीमा मिल जाए। इसी प्रकार जानवरों के अंदर क्या होता है, भेड़ के लिए, भेड़ की प्राकृतिक मृत्यु के लिए एक अविका कवच बीमा योजना शुरू की गई भेड़ के लिए, तो आंसर हो जाएगा भेड़। अब इस बीमा योजना के अंदर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले बताता हूँ कितनी यूनिट डिसाइड है, यूनिट पूछे आपसे कितनी भेड़ यूनिट, तो आपको लगाना है 5 भेड़ यूनिट। टोटल पशु पूछे तो एक यूनिट में होते हैं 10 पशु, तो टोटल कितने भेड़ हो गई, 50 भेड़ हो गई। अब इससे आप राशि पूछ लें, अगर भेड़ की मृत्यु हो गई तो मतलब इसमें एक यूनिट पे मैक्सिमम राशि डिसाइड कितनी है, एक यूनिट पे मैक्सिमम राशि है 50,000, एक भेड़ पे नहीं है, एक यूनिट पे है, और एक यूनिट के अंदर है 5 या 10 भेड़ है, एक यूनिट पे राशि डिसाइड है 50,000। अगर कोई रोग से या दुर्घटना से कोई भी भेड़ की मृत्यु हो जाती है तो उसका उसका 100% क्लेम मिलता है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कितना क्लेम मिलता है, 100%, 90%, 80%, 70%, तो आंसर हो जाएगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया, तो वो दिया गया राजस्थान को, 2018 का सबसे अच्छा पावर को पावर यानी बिजली ट्रांसमिशन में और यूज करने में सबसे अच्छा पुरस्कार दिया राजस्थान को। भारत की जो प्रथम स्किल विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी है वो निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई, स्किल यूनिवर्सिटी शुरू की गई राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे राजस्थान कर दिया और यहाँ पे ऑप्शन आपके चेंज कर देंगे, बीकानेर कर देंगे, जयपुर कर देंगे, जैसलमेर कर देंगे, जोधपुर कर देंगे, तो राजस्थान में कहाँ पे शुरू की गई, राजस्थान में की गई है जयपुर में, जयपुर, तो आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में कहाँ पे, जामडौली। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जो भारत की प्रथम स्किल यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है, नाम पूछ लिया आपको तो ILD, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, ये इसका नाम है। अब नेक्स्ट आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये होता है कि इसके जो ILD है इसके चेयरमैन कौन है, वो चांसलर कौन है, ILD इस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये चीज़, ललित के पंवार। और ये ललित के पंवार है अपने जो राजस्थान है जो RPSC है उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो वर्तमान में RPSC के चेयरमैन पूछ ले तो आपको बताना है दीपक उप्रेती ये वर्तमान में है। और पहले पूछे आपसे कि RPSC के पहले चेयरमैन कौन है, तो आपको आंसर लगाना है SK घोष। तो मोस्टली क्या बनते हैं, ILD के चांसलर ये हो गए, और RPSC के दीपक उप्रेती ये वर्तमान में है, और ये कहाँ पे, जयपुर के अंदर जामडौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में हुआ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना अजमेर। अजमेर में कहाँ पे हुआ, ये रूपनगढ़ नाम की एक गांव है वहाँ पे। अब देखो, ये राजस्थान का पहला क्वेश्चन आ गया कि भारत के पहले मेगा फूड पार्क, तो सबसे पहले हम राजस्थान वाले की बात कर ले, तो ये कहाँ है, अजमेर में, और इसका उद्घाटन किसने किया, क्वेश्चन आ सकते हैं कि उद्घाटन किसने किया, ऑप्शन बना देंगे किसने किया, नाम लिख देंगे 4, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल, ये अपना आंसर हो जाएगा। पूछ ले कि इसी ये जो पहला मेगा फूड पार्क है इसका नाम पूछ लिया आपका, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखना ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, नाम पूछे तो ग्रीन टेक। अगर पूछे इंडिया के पहले मेगा फूड पार्क का नाम पूछें इंडिया का, तो इंडिया का पहला हुआ था उद्घाटन आंध्र प्रदेश में, और उसका नाम है श्रीनी SRINI, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हुआ था, और वो हुआ था 2012 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तब। श्रीनी है वहाँ के, जैसे यह राजस्थान वाला ग्रीन टेक है वैसे ही वहाँ का नाम है श्रीनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने रुपए का ऋण प्रदान करेंगी। अगर आपके इस क्वेश्चन में पूछ ले योग्य परिवार पूछे तो आपको टिक लगाना है 50,000 रुपये। अगर योग्य परिवार की जगह पूछ लें कि कारीगरों के छोटे कारीगर
छोटे कारीगर होते हैं जैसे कुम्हार वगैरह, सुनार, लोहार, कुम्हार, छोटे कारीगरों को उनके उत्थान के लिए, तो कितनी राशि है? छोटे कारीगर नाम आए तो 2 लाख। बस इस क्वेश्चन में और क्या चेंज हो सकता है? अब ये जो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो छोटे परिवारों को जो 50,000 रुपये दिए जाते हैं, छोटे परिवार होते हैं ना, जैसे कि लो लेवल पे रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, पिछड़े वर्ग, जो मतलब उनका रहने का खाने पीने का लेवल सुधारने के लिए उनको 50,000 रुपये दिया जाते हैं और इस पर ब्याज लगता है। आपसे ब्याज की पूछी जा सकती है 4%, और इस पर जो ब्याज पूछे छोटे कारीगरों को जो 2 लाख रुपये दिया जाता है उस पर ब्याज पूछे तो 0, यानी उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, बिना ब्याज की राशि है। ठीक है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा अपना ओम प्रकाश गालव। यह है ओम प्रकाश गालव, इनको कई प्रकार के अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें आपको एक तो टेराकोटा क्षेत्र याद रखना है, टेराकोटा क्षेत्र, यह हस्तशिल्प कला के लिए उनको बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं और इनको ये पुरस्कार मिले हुए हैं, तो टेराकोटा नाम याद रखना है। राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो मोर है भीलवाड़ा का पिकॉक। बाकी बात करें दोसा का पूछे तो खरगोश, रेबिट। अजमेर का पूछ लिया आपको तो खारमेर, खरमोर। हनुमानगढ़ का पूछे तो किंगफिशर, लिटल किंगफिशर। बाकी आपको देखने हैं तो बाकी स्टेट, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के आप यहाँ से देख सकते हो। जैसलमेर का पूछे आपसे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एक तो। और बाकी जो आपको याद होने लायक है वो याद कर लो, बाकी ज़रूरी नहीं, जो उल्टे सुलटे नाम है उनको याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कौन सी है? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अब जो एससी एसटी परिवार हैं उनके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई प्रकार के पुरस्कार डिसाइड किए गए, जैसे जिनमें से एक पहला है महिला कल्याण पुरस्कार, दूसरा की बात करूँ तो अंबेडकर न्याय पुरस्कार हो जाएगा, तीसरा बात करूँ तो अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार हो जाएगा, एक हो जाता है अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार। अब देखो इसमें महिला छोटा नाम है, न्याय छोटा नाम है, शिक्षा छोटा नाम है, तो इनकी जो राशि है वो 51,000, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 51,000। यहीं पे आ गया कि अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिए दी जाने वाली राशि कितनी है, तो आंसर हो जाएगा अपना 1 लाख। याद रख लो ये बड़ा नाम है, बड़ी राशि, इस तरीके से आप कुछ भी अपना तरीका अपना लो याद करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया गया? क्वेश्चन बन सकता है कि देवनारायण है कौन सी जाति के देवता है, तो आंसर हो जाएगा गुज्जर जाति के लोग, उनका देवता है देवनारायण भगवान। ये कहाँ पे है देवनारायण पेनोरमा, कहाँ पे है? तो ये सबसे पहले हम बात करके इसका जो शिलान्यास किया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिलान्यास किसने किया, तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। अब इस पर राशि पूछ ली आपको, कितनी राशि खर्च होगी? तो राशि पूछ ली आपको लगाना है 4.25 करोड़। ठीक है, कहाँ पे ये भीलवाड़ा के अंदर है, आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। इनका जो जन्म स्थल है वो है मालाशेरी डोंगरी। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो देवनारायण भगवान है उनका जन्म स्थल कहाँ है? मालाशेरी डोंगरी। असिंध तहसील किसकी? भीलवाड़ा की। तो मेन क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कौन सी जाति के देवता हैं? गुज्जर। कहाँ पे है? भीलवाड़ा। जन्म स्थली मालाशेरी डोंगरी। राशि 4.25 करोड़। उद्घाटन करता मुख्यमंत्री, यह शिलान्यास करता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। भारत का प्रथम जो डिजिटल अकावी बोलते हैं हम, अभिलेखागार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ये बीकानेर के अंदर। जितने भी डिजिटल अभिलेख बनाए जाएंगे, जितने भी इनके मैप वगैरह किले वगैरह सबके हैं। भारत पे इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्य हैं? क्वेश्चन कहता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 15 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? मुकुंदरा हिल्स की बात आती है तो भारत के अंदर 3 है, पहला घोषित किया था रणथंभौर को, दूसरा घोषित किया था केवला देव को, तीसरा घोषित किया था इस मुकुंदरा को। मुकुंदरा का अगर दूसरा नाम पूछे तो आपको दर्रा इसका दूसरा नाम है, दर्रा DARRA इसका दूसरा नाम है। इसको 1980 में किया था, इसको 81 में किया था और इसको 2012 में किया था, तो ये लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसकी डेट है 9 जनवरी 2012। रणथंभौर कहाँ पे? स्वाई, माधोपुर, केवलादे, भरतपुर और मुकुंदरा, ये कहाँ पे? ये तीसरा है, लेटेस्ट है इसलिए ये पूछा जा सकता है। तो आपको लगाना है कोटा और चित्तौड़, इंपॉर्टेंट बनता है, तो कोटा और चित्तौड़गढ़ दो में स्थित है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? कत्थे का वृक्ष पूछे तो आंसर हो जाएगा अपना खैर, खैर से अपना कत्था को निकाला जाता है।
इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है खेजड़ी का जो वनस्पतिक नाम है वो पूछा जा सकता है। खेजड़ी का मोस्टली पूछा जाता है प्रोसोपिस साइने रेरिया, ये इसका नाम है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरी है? तो दूसरी कौन सी है? भील, और पहली कौन सी है? मीणा। निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? मुख्य पशु है दूध, पशु उत्पाद है दूध। अब देखो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है, और क्वेश्चन क्या हो सकता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? होस्ट कंट्री पूछ ले, कौन सा 2018 की होस्ट कंट्री कौन है? तो थीम तो क्या थी? बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, ये तो इसका थीम थी। थीम का मतलब होता है विषय, क्या विषय था। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमेशा 5 जून को। और होस्ट कंट्री अगर 2018 की आप इसे होस्ट कंट्री पूछे तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इंडिया, भारत ने इसको होस्ट किया था विश्व पर्यावरण दिवस 2018। अब देखो खेजड़ी दिवस के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष मौसम मनाया जाता है? ये खेजड़ी ग्राम जोधपुर। इसमें क्या है कि ये जोधपुर का एक गांव है खेजड़ी। इसमें क्या होता है डेट, ये याद रखने आपको 1730 12 सितंबर 1730 के अंदर क्या हुआ कि मतलब जोधपुर के राजा थे जिनका नाम था अभय सिंह, उन्होंने महल बनाने के लिए अपने मंत्री को कहा, ईंधन के लिए मंत्री महल बनाना चाहा, इसलिए उन्होंने मंत्री को ऑर्डर दिया कि जाओ ईंधन लेके आओ पकाने के लिए चुना उना। तो मंत्री का नाम पूछे आपसे तो गिरधारी दास भंडारी। अब देखो राजा जोधपुर राजा अभय सिंह, इन्होंने ऑर्डर दिया गिरधारी सिंह भंडारी को कि खेजड़ी लेके आओ। ये खेजड़ी ग्राम में गए, उन्होंने कहा वहाँ से खेजड़ी काटने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, ये बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज के लोग रहते थे, तो ये क्या हो गया, खेजड़ी को एक अपना धार्मिक मानते थे, ऐसे मतलब परिवार के रूप में मानते, इसको परिवार के सदस्य के रूप में मानते। जैसे ये वो काटने गए तो ये क्या किया, सबसे पहले अमृता देवी ने पेड़ के खेजड़ी के वृक्ष के चारों तरफ लिपट लिया, और बाद में इसकी जो 3 बेटियां थी इसके हस्बैंड थे सबने इसके लिपट के अपना बलिदान दे दिया। इसलिए इसको जो एक बलिदान दिवस के रूप में याद करने के लिए खेजड़ी उत्सव मनाया जाता है जो जोधपुर में होता है और बिश्नोई समाज से संबंधित है। समाज पूछे बिश्नोई समाज से, नाम पूछे अमृता देवी की याद में, और इसमें टोटल जो आहुति दी थी 363 लोगों ने इसमें आहुति दी थी, 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था इसमें। तो आपको याद रखना 1730 अभय सिंह, गिरधारी सिंह, बिश्नोई समाज, अमृता देवी, 363 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? तो सागवान। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यवती नदी जिसका वर्तमान नाम है घग्गर, और पुराणों में नाम हुआ था ये दृश्यवती और वर्तमान नाम है घग्गर। क्वेश्चन आ सकता है कि दृश्यवती नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो घग्गर नदी। घाटी में किस प्रकार के बालों का स्तूप चिन्हित है? तो रेखीय या पावना मूर्ति बालों का स्तूप, ये अपना आंसर हो जाएगा। शिष्य जस्ते का कौन सा नहीं है? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अपना ऐसा पूछा है कि शिष्य और जस्ते का ऐसा कौन सा नहीं है? गैलेन है, इसका फॉर्मूला होता है PbS। कैलामाइन है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O4ZN। जिंकाइट का होता है ZnO। हेमेटाइट का होता है Fe2O3। अब देखो शीशे को हम बोलते हैं लेड, और लेड को हम सिंबल होता है इसका Pb। जस्ते को हम बोलते हैं ZN। अब इनमें से देखो इसमें Pb आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इसमें ZN आ रहा है ये भी नहीं हो सकता, ZN आ गया ये भी नहीं हो सकता, ये हो गया Fe2O3। यानी ये ना ही शीशे का है ना ही जस्ते का है, और ये किसका है? ऐसा ये लोहे का। तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 101 यह है कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा विकास कार्यक्रम है मेवात क्षेत्र? इसके अंदर पूछा गया है कि अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें अपने को पता होना चाहिए कि मेवात क्षेत्र क्या है और इसके अंदर जिले क्या है। तो इसका मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर है अलवर और भरतपुर। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि ये मेवात नाम कैसे पड़ा और इसका विकास क्षेत्र कार्यक्रम क्या है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर क्या है कि ये जो मेवात एरिया है ना, इसको डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में किस आधार पर, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, इन लेवल के आधार पे इनका जो उत्थान करने के लिए एक विकास कार्यक्रम बनाया गया है, और जिसमें राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं अलवर और भरतपुर। ये हरियाणा से अटैच कुछ जिले हैं इसमें, और कुछ यूपी से अटैच हैं। तो राजस्थान की बात की तो अलवर और भरतपुर, इसके बारे में डिटेल से आप देखो तो ये क्या है, एक सामाजिक सांस्कृतिक और ये नरवंश विज्ञान क्षेत्र। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में आप पढ़ लेना इसके बारे में क्या है। ये मेवात एरिया, मेवात है ये, मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसका दूसरा नाम मेव है,
ठीक है। इसके आपके अगर बात पूछें तो ये 1987-88, एक तो अपने को ये ईयर याद रखनी है, 1987-88 में राजस्थान राज्य सरकार से अलवर के तो पाँच, अलवर के पाँच ये संख्या पूछी जा सकती है, अलवर के पाँच और भरतपुर के तीन, तो टोटल राजस्थान के कितने खंड हो गए, खंड यानी ब्लॉक, राजस्थान के आठ ब्लॉक हैं। मैं 100% वित्त पोषण से शुरू हुआ, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, कब शुरू हुआ, 1987-88, राजस्थान के कितने ब्लॉक है, आठ ब्लॉक, अलवर के कितने ब्लॉक, पाँच, भरतपुर के कितने ब्लॉक, तीन ब्लॉक, ठीक है। मैंने क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट ये बन सकते हैं और इस पर आधारित आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है ऐसा। इसके अंदर बात करें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो इस पर जिला स्तर पर इसका कार्यान्वयन होता है और एक राज्य स्तर पर इस विकास कार्यक्रम के अंदर कार्यान्वयन होता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जिला स्तर पर इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है, तो जिला परिषद, कौन सी एग्जीक्यूटिव एजेंसी, ठीक है, और राज्य स्तर पर ज़्यादातर इसी का पूछे गए आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पर इसका उद्देश्य, तो इसके उद्देश्य कि मेवात समुदाय के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार, मेवात समुदाय टिकाऊ आधार पर अधिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही साथ समुदाय के लिए उपलब्ध आर्थिक अवसर यानी जो इकोनॉमिक यूनियन, उनको फाइनेंशियल रूप से उनको स्ट्रॉन्ग करने के, ये इसका उद्देश्य है। और इसके अंदर मैंने बता दिया हरियाणा, यूपी और राजस्थान, और राजस्थान के दो जिले भरतपुर और ये अलवर शामिल है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई क्या है, पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर आधारित है, तो अपने को सबसे पहले ये सब इनके बारे में पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब कहाँ हुई और कब हुई, ये अपने को एक पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ 2 अक्टूबर 1959 को अंदर इसकी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, और हुई कहाँ से, नागौर के अंदर, नागौर के अंदर एक गांव है बगदरी गांव बोल के, वहाँ से शुरुआत हुई। और किसने इसकी शुरुआत की थी, अपने उस टाइम के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री कौन थे, तो अपना आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम मुख्यमंत्री थे। डेट याद रखनी है, जगह याद रखनी है और मुख्यमंत्री याद रखना है। अब इसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था के अंदर तीन प्रकार की इकाई होती है, उसमें सबसे पहले होते हैं नीचे नीचे होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर होती है पंचायत समिति, और नीचे सबसे नीचे होता है जिला, सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, ठीक है। अब ग्राम पंचायत है इसमें तो वार्ड पंच होते हैं और सरपंच होते हैं, सरपंच होते हैं, ठीक है, इसका जो मेन अध्यक्ष होता है सरपंच होता है, और इसमें जो गवर्नमेंट का अधिकारी होता है वो होता है ग्राम विकास अधिकारी, या जिसको हम बोलते हैं ग्राम सेवक, ग्राम सेवक होता है यहाँ पे, विकास अधिकारी नहीं, विकास अधिकारी यहाँ पे होता है, पंचायत समिति पे होता है विकास अधिकारी, जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं, और जिला परिषद पे होता है जिला प्रमुख, अपना मेन काम करते हैं। और इसमें हम प्रधान है, नाम तो सुना होगा ना आपने चुनाव में कभी कि प्रधान है वो प्रधान है, यानी प्रधान होता है पंचायत समिति का, और ग्राम पंचायत में कौन होता है, मुख्य सरपंच, यहाँ पे प्रधान होता है और यहाँ पे जिला प्रमुख होता है। संसद के अंदर क्या शामिल है, संसद के अंदर राष्ट्रपति शामिल है और अपनी जो लोकसभा है और राज्यसभा, कोई भी कानून बनता है तो इन तीनों से पास होने के बाद कोई कानून बनता है, तब तक कानून नहीं बनता है। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, निम्न सदन, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, और राष्ट्रपति के साइन होने के, दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति साइन कर दे तो कानून बन जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय कौन सा हो जाएगा, प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत। वित्त आयोग से पंचायती राज व्यवस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है, तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए पूछा है तो वो दिया जाता है ग्राम पंचायत को, आंसर ध्यान देना ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के अंदर महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है, जोधपुर के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है महामंदिर, और वो कौन से संप्रदाय की गद्दी है, तो वो है नाथ संप्रदाय की, नाथ पंथ, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। अब ये पूछ ले कि नाथ, क्वेश्चन ये आ गया कि नाथ पंथ है इसके जो संस्थापक कौन है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, तो नाथ मुनि अपना आंसर हो जाना चाहिए, नाथ मुनि किसके संस्थापक है, नाथ संप्रदाय के। अब क्वेश्चन आ गया कि रामानुज संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, और इसका अगर स्थान पूछे तो इसका स्थान है गलता, गलता कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंदर। अगर कबीर पंथ पूछे तो इसके हैं कबीर संस्थापक, इसके आप बताना कि इसका जो कहाँ पे है वो स्थान कहाँ पे है, आपको बताना है क्वेश्चन। दादू पंथ है इसके दादूदयाल संस्थापक है, दादूदयाल, और इसका जो स्थान है वह नरेना, और नरेना कहाँ पड़ता है, दुद्दू के पास, दुद्दू कहाँ पड़ता है, जयपुर के पास में स्थान है दुद्दू, और दुद्दू के पास में है नरेना, तो याद रखना है नरेना, नाथ पंथ हो गया। और कुछ एक इम्पोर्टेंट और बताना, अपने पहले पढ़ लिया है, पहले पढ़ा है निम्बार्क, निम्बार्क संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की,
और इसका स्थान बताओ। चलो निम्बार्क, इसकी स्थापना तो वो थी निम्बार्काचार्य भगवान है इनका, एक निम्बार्काचार्य भगवान। और ये हमने पढ़ा था कि ये अजमेर के पास किशनगढ़ और किशनगढ़ के पास में सलेमाबाद एक गांव पड़ता है, वहाँ पे इनका स्थान है। एक ये नाथ पंथ हो गया और एक जसनाथ पंथ और होता है, जसनाथ पंथ इसका पूछ लिया एग्जाम में। तो इसकी स्थापना तो की थी जसनाथ जी ने, जसनाथ जी ने। और इनका जो स्थान है वो है बीकानेर में, एक जगह कतरियासर है, कतरियासर है, कहाँ पे बीकानेर में। और एक वल्लभ है, वल्लभ का है वल्लभाचार्य संप्रदाय के, और वहाँ के हैं नाथ द्वारा और कोटा, नाथ द्वारा के अंदर इनका वो स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदा इज मैन्युफैक्चर डेट, नामदा का उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ नामदा क्या चीज़ है, ये एक संस्कृत वर्ड है नमता से लिया है और जिसका मतलब होता है ऊनी चीज़ें। अपन जो स्वेटर वगैरह होती है, जो आसन वगैरह होते हैं ऊन से बने हुए, उनको नामदा की कैटेगरी में लिया जाता है। नामदा का उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है टोंक में। यह नमदा देखो उन्नी तरीके से ये एज खड़ाई करके बनाया हुआ है, ये ऊन से, इनको बोलते हैं नमदा या नामदा। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरुआत की गई, राजस्थान की बात हो रही है, और ये पूरे इंडिया लेवल में 2015-16 के अंदर शुरुआत की गई थी और उसी टाइम ये राजस्थान में शुरुआत की गई थी। इसकी मेन शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 से, 1 जुलाई 2015 से। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इससे रिलेटेड एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि इसके अंदर जो राशि है 5 पीरियड के अंदर, इसका जो टारगेट रखा है 2015-16 से 2019-20 तक, 5 साल का पीरियड है, और 5 साल के पीरियड के अंदर जो टोटल राशि कितनी इसमें खर्च की जाएगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर, वो राशि पूछी जा सकती है। तो आपको राशि का ध्यान रखना 50,000 करोड़ रुपये, और टाइम पीरियड पूछे तो 5 साल, और ये पूछ ले तो ये भी बता देना 2015-16 से लेके 2019-20 तक, बस और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया एम्पावर, किसके सहयोग से क्रियान्वित किया गया। तो इस क्वेश्चन को घुमा के ये बनाया जा सकता है कि ये जो एम्पावर है इसको ऑप्शन में लिख दे, बाकी क्वेश्चन को बना दे। तो उस प्रोजेक्ट का नाम पूछे तो नाम ध्यान रखना एम्पावर, और एम्पावर की फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म ध्यान रखनी मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, एम यानी मिटिगेटिंग, POW यानी पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान अपना ये हो जाएगा। तो अपने को तो इसके अंदर जो संस्था शामिल है वो है IFAD, IFAD की फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है IFAD। अगर इसकी स्थापना पूछे आपको तो इसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1977। ज़्यादा से ज़्यादा इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कि IFAD का हेडक्वार्टर कहाँ है, IFAD का हेडक्वार्टर पूछे तो इटली की इटली में रोम, रोम नामक जगह, इटली की राजधानी रोम, ठीक है। और इससे ज़्यादा लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो पश्चिमी राजस्थान है ना उसके अंदर आर्थिक रूप से और कृषि योग्य उन वो स्थलों को बनाने के लिए और आर्थिक रूप से डेवलप्ड करने के लिए इस एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान का जो तेजाजी पशु मेला है निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागौरी गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चूने का पत्थर, और चूने के पत्थर को हम बोलते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला आपको बताया था वो था CaSO4.2H2O। इसको अगर हम 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4.1H2O, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना चूने का पत्थर, ना कि जिप्सम। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 100% जिंक का उत्पादन होता है, 100%। और इसके अंदर जो आपसी क्वेश्चन पूछे, जो HZL है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान में उदयपुर में है इसका हेडक्वार्टर। अब दूसरी बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर, और जो इसका फाउंड हुआ था, स्थापना हुई थी वो थी न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन इसका हेडक्वार्टर उदयपुर के अंदर, ये ध्यान देना। इसके अगर चेयरमैन पूछ ले आपसे तो अग्निवेश अग्रवाल इसके चेयरमैन है, साथ ही साथ में CEO पूछ ले तो सुनील दुग्गल। क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जिंक के साथ में जो लिमिटेड है, ये जिंक के साथ में जिंक हो गया, सिल्वर एंड चांदी हो गई,
और अपना लेड हो गया, पीबी शीशा बोलते हैं हम जिसको, वो हो गया, और कैडमियम इनका उत्पादन करता है। और इसका जो है कहाँ स्थित है वो है देवबारी नामक एक जगह है उदयपुर के पास में, वहाँ पे इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कुल आबाद गाँव का कितना प्रतिशत विद्युतिक रहता है? 100% इलेक्ट्रलाइज कर दिया गया उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गैर परंपरागत सोर्स से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की कौन सी नोडल एजेंसी है? तो है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा या राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार के जो और ऊर्जा मंत्रालय के अंतर गैर परंपरागत उनको बोलते हैं जो परंपरागत रूप से पृथ्वी पर नहीं है, उनको बाद में डिजाइन किया गया हो, जो भी हो। रिन्यूएबल का मतलब होता है जैसे कि सौर सन से होगी यानी सौर ऊर्जा होगी या अपनी पवन ऊर्जा होगी, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगी काजरी की फुल फॉर्म बतानी है। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट और दोबारा से रिपीट हो चुका है, शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है और इसको पहले किसे पूछा गया था, कौन कहता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, पहले इस क्वेश्चन को पूछा गया था काजरी की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर था उसका 1959 के अंदर। अब इसकी पूछ ले कि इसके फुल फॉर्म बताओ, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको चर्चा देखनी है तो यहाँ से देख लो। इसका पूरा नाम देखना तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है इसका डायरेक्टर कहाँ है, ओपी यादव। स्थापना कब हुई, ये इसका छोटा नाम काजरी और फुल नाम ये, और हिंदी की बात करें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इस पर आधारित दो तीन क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं और बने हुए हैं, देख लो अभी तक 125 पार्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा और बारा जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य है, चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? वह टाई एंड डाई प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं एज ए कढ़ाई टाइप से या डाई करके, टाई एंड डाई, पेंटिंग हाथ की कढ़ाई और पॉटरी, ये तीनों कहाँ की है? ये तीनों है जयपुर की, और ये टाई एंड डाई ये कोटा और बारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रोजगार सृजन है तो पिछले 3 वार्षिक योजना में बल दिया गया, किस पे दिया गया सबसे ज़्यादा? मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, क्यों? क्योंकि स्किल बढ़ाओ, तो स्किल डेवलपमेंट आप याद रखना है अपने को, कौशल विकास पर स्किल डेवलपमेंट और RSL DSC, इस प्रकार से इनके कुछ कार्यक्रम भी चला गए जिनमें कई प्रकार के, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन से लेके और ये आपकी होगी ये क्या कहते हैं मेकअप से रिलेटेड क्या होता है ये, और मेकअप कराने जाते हैं ना उनसे रिलेटेड कुछ जो भी है, और सिलाई हो गई, ये पार्लर वाले पार्लर कोर्स, इस तरीके से कौशल विकास आधार पर कुछ कोर्स करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना अपने को, कौन सा कार्यालय कहाँ पे है? जोधपुर का सबको पता है कि हाई कोर्ट में है, तो सबसे पहले हम BK1 में मिला लेते हैं। BK1 में कहाँ मिलता है, इसमें और इसमें, तो हम अगर तुक्का भी मारे तो सी और ए में तो तुक्का मारेंगे नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हाई कोर्ट जोधपुर में है, सबको पता है नॉर्मल। अब देखो अब इन पर कैसे क्या तुक्का लगाने हैं। अगर हम बात करें खनिज विभाग की, ज़्यादातर खनिज जो इंडस्ट्री अभी देखा हमने उदयपुर के अंदर, अपने पता है जिंक लिमिटेड है वहाँ पे, तो हम खनिज को उदयपुर से जोड़ दें यानी डी में तीन कर दे, तो ये मेरा D3 हो गया, यहाँ से ये भी इसमें भी D3 है, यानी ये भी सही जा रहे हैं। अब देखो और क्या बात करें, बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग है, इसको और मैच करते हैं, सी के अंदर दो और यहाँ 4, ये गलत हो जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने तुक्के भी मारे तो कम से कम 4 में से 2 को तो हटा ही सकते हैं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और बचा कौन सा, भरतपुर के अंदर हो जाएगा कृषि विभाग। किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है, कौन सी बोली है वो जिसमें मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो ये जो मालवी भाषा है ये बोली जाती है MP के साइड में, MP से अटैच है, और ये अपने राजस्थान की बात करें तो वांगड़ी, और वांगड़ी बोली जाती है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है उसके अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा उस पर इसका प्रभाव है वांगड़ी का, तो आंसर हो जाएगा ये दोनों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन से है, क्योंकि ज़्यादातर शुष्क वाले और पत्तियों वाले, तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे, शुष्क और पर्णपाती, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, पर्णपाती पत्तियों वाले छोटे छोटे और शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। राजस्थान में 2011 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आधारित कई क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल्स में इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? अब देखो अगर ग्रामीण पूछा है तो आंसर देना 933, यही अगर शहरी पूछ लेते हैं यहाँ पे शहरी, तो आंसर हो जाता अपना 914, शहरी को बोलते हैं अर्बन।
अर्बन और रूरल हो गया, ये तो हो गया इसका। इस पर आधारित और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? शहरी हो गया, और अगर टोटल पूछे राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर टोटल लिंगानुपात पूछे ना, क्वेश्चन में ये नहीं आए। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल लिंगानुपात पूछ लें, कुल लिंगानुपात कितना है, तो आपको आंसर पे टिक करना है 928 पे। अगर कुल पूछे तो 928 पे, ये पूछे ग्रामीण पूछे तो 933 और रूरल पूछे तो 914। और अगर ये चाइल्ड पूछ ले यानी बच्चे, बच्चे यानी 0 से 6 उम्र, तब आपको टिक करना है 888 पे, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों का लिंगानुपात पूछे राजस्थान के कुल 888, 928 हो जाएगा राजस्थान के कुल, ये 933 हो गया ग्रामीण, 914 हो गया शहरी। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? साक्षरता का पूछ लिया आपसे, राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%, और उसके अंदर अगर पूछे आपसे मेल की साक्षरता तो लगाना है 79.19 पे, और फीमेल की पूछे तो 52.12 पे। साक्षरता का पूछ सकते हैं ये साक्षरता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गाँव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? वो क्या था? शेख हमीदुद्दीन। इनके बारे में डिटेल्स में हम देखो, हमीदुन इनका दूसरा नाम है हमीदुन नागौरी भी बोलते हैं, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गए हैं अजमेर के अंदर, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में देखनी है तो आप इसके बारे में पढ़ लेना। इन्होंने सूफी मत का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ रहा? अजमेर में, पहले तो अजमेर में और अजमेर के बाद दूसरा नागौर में। और इन्होंने सुवाल गाँव नामक जगह पर अपना खेती करके इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था। और इनकी जो नागौर में चिश्ती संप्रदाय की सूफी संत की मज़ार आज भी इनकी याद दिलाती है, और इस मज़ार पर मोहम्मद बिन तुगलक ने, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक गुंबद का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके गुंबद, कहाँ पर गुंबद का निर्माण करवाया था, तो हो जाएगा अपना नागौर के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा अपना राजसमंद के अंदर। दूसरी बात, अगर इसका ये हो गया शिल्पी कौन है, शिल्पी हो गया मंडन। ये दुर्ग बनवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने, तो आंसर हो जाएगा अपना कुंभा। इसकी जो दीवार की लंबाई पूछी जा सकती है, दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो ये जो विद्रोह हुआ था, ये हुआ था राजस्थान के अंदर, सबसे पहले हुआ था नसीराबाद, तो अपने को नसीराबाद से आंसर टिक कर देना है। और बाद में ये 28 मई 1857 सबसे पहले हुआ था नसीराबाद में। उसके बाद में हम बात करें 3 जून 1857, 3 जून 1857 डेट रखनी है याद, और एक रखनी है आपको 4 जून 1857। 3 जून 1857 के अंदर हुआ था नीमच MP, और 4 जून 1857 के अंदर हुआ था देवली टोंक। एक इम्पोर्टेंट याद रखनी है आपको पाली के अंदर, एरिनपुर पाली, उसकी डेट याद रखनी है आपको 21 अगस्त 1857। बस ये 4 डेट याद रख लो आप, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरिनपुर पाली, 21 अगस्त, ये सब। और बाद में हुआ था, एक जगह हुआ था ब्यावर अजमेर के अंदर, और खेरवाड़ा उदयपुर, यहाँ इनका ये आंदोलन हुए थे 1857 के। और इसके विद्रोह का ये असफल होने के पीछे रीज़न क्या था, एक आप बता सकते हो कमेंट करके, क्योंकि ये समय से पहले स्टार्ट हो गई थी, कुछ ऐसा इसका कुछ रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? अब बात आती है उदयपुर की। वैसे अगर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? आर्य समाज की थी। अगर उदयपुर की पूछी आपसे, तो उदयपुर में आती है परोपकारिणी सभा, तो आंसर हो जाएगा परोपकारिणी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशपुर नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं मनाया जाता है? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी होती है वो एक भाद्रपद महीने में मनाई जाती है, और 8 को मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और बाकी जो नागपंचमी होगी, तीज होगी, रक्षाबंधन, ये बंधन होगी, ये सब मनाए जाते हैं श्रावण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 126 है, वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित होता है? तो मैंने बताए थे पहले वीडियो में, बताए थे कि राजस्थान के अंदर कितने पार्क है, उन सब के बारे में बताया था। जो पार्क होता है, जो नेशनल पार्क होता है, वो किसके अंदर स्थित होता है? जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, यानी जो सेंचुरीज होती है उसके अंदर पार्क स्थित होता है। पार्क के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति वहाँ पे रह नहीं सकता, बल्कि जो सेंचुरी होती है वहाँ पे व्यक्ति रह भी सकता है। तो अंतर यही है पार्क और इसमें। अब ये सब का बताया था कि केवला देह कहाँ है, मुकुंद्रा कहाँ है, सरिस्का कहाँ है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये सब का बताया हुआ है। तो ये जो केवला देह है,
हम केवला देव को कहते हैं भरतपुर में, और जो कैला देवी है कैला देवी को हम कहते हैं करौली। इनमें डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना, केला करौली इस तरीके से याद रखना है ना, और केवला देव है उसको हम रखते हैं भरतपुर से। और जो मुकंदरा नेशनल पार्क है ये इसको, ये दर्रा जो सेंचुरी आती है मुकंदरा नेशनल पार्क है, ये दर्रा के अंदर आता है और ये है कोटा के अंदर। सरिस्का कहाँ है? अलवर के अंदर। और ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये है जैसलमेर के अंदर स्थित। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो वुड फॉसिल पार्क है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान इसके अंदर स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर। वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर। और डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। यह है सभी नेशनल पार्क, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट है सब। और ये दोनों राजस्थान के मेन नेशनल पार्क और सेंचुरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है धोखड़ा से, और धोखड़ा खेजड़ी को भी, खेजड़ी को ही कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है धोखड़ा। और इसका जो साइंटिफिक नाम होता है खेजड़ी का, आप बताओगे? पहले वीडियो में बताया था कुछ प्रोस्टोपिस सिनेरेरिया इस तरीके का कोई नाम था, सिनेरेरिया, प्रोस्टोपिज सिनेरेरिया खेजड़ी का जो वनस्पतिक नाम होता है वो, ये इससे लिया जाता है। अपन नॉर्मली जो कोल होता है, कोयला होता है, उसी से होता है। और इसमें जो चारकोल होता है इसके अंदर कार्बन कितना होता है? कार्बन होता है इसके अंदर 80%, 80% कार्बन होता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि चारकोल में कितना कार्बन होता है, तो ये होता है 80%। और नेक्स्ट इससे जो आपसे बात पूछे, चारकोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू पूछी जा सकती है, इसका जो कैलोरीफिक मान होता है वो होता है 29,000, ये ध्यान रखना है, किलो जूल पर केजी से लेके 35,000 किलो जूल पर केजी, इसका चारकोल का जो कैलोरीफिक मान होता है वो ये होता है 29,000 से लेके 35,000 किलो जूल पर केजी। और इसका हम उपयोग लेते हैं ईंधन के रूप में लेते हैं मोस्टली ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सो टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो अपना बांसवाड़ा को कहते हैं सो टापू का क्षेत्र। ये अब राजस्थान के अंदर जितने भी सिटीज़ हैं सबके उपनाम से रिलेटेड है, किसका क्या उपनाम है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा सो टापू का शहर हम कहते हैं किसको, बांसवाड़ा को। और बाकी जो है ये आपके सामने मैंने लिस्ट बना रखी है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये मैप के अकॉर्डिंग आप समझना चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट पड़ेगा। ये बांसवाड़ा हो गया, ये बांसवाड़ा यहाँ पे, और इसको कहते हैं सौदीपों का शहर और आदिवासियों का शहर। डूंगरपुर को पहाड़ियों की नगरी। और जो इम्पोर्टेंट है वो अगर बात करें राजस्थान की, जैसलमेर की स्वर्ण नगरी कहते हैं, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं। और भारत की स्वर्ण नगरी क्या है? अमृतसर, अमृतसर। तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर इसके बारे में है। नेक्स्ट कुछ यही इसी पे है, राजस्थान के जो भी सिटीज़ हैं उनके उपनाम के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? जो मालपुरा करौली है, हमने एक मालवी भाषा देखी थी और बताया था कि ये वांगरी से मिलती जुलती है। और ये जो मालवी भाषा है ये बोली जाती है कहाँ पे? एमपी, एमपी के अंदर। और जो वांगरी है वो बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अब ये जो भाषा है मालवी और वांगरी आपस में दोनों मैच खाती हुई है, ये बताया था। अब यही मालपुरा करौली, ये करौली है, ये भी एमपी से लगता हुआ है। तो जो मालपुरा और जो करौली का मैदान है वो किस नदी बेसिन का भाग है? तो वह बनास नदी बेसिन का भाग। इसको हम यहाँ से समझेंगे, देखो इस मैप से समझते हैं। ये तो रहा अपना करौली, ये करौली आ गया और यहाँ पे एमपी अटैच हो जाता है, करौली हो गया। अब यहाँ पे ये करौली यहाँ आ गया, ये करौली आ गया। अब ये जो मैप में बताया है ये जो पूरा पार्ट है ये किसका है? बनास नदी का पार्ट है, यानी बनास का बेसिन है। तो ये जो करौली आ गया और यहाँ जो मालवा यहाँ पर आता है मालवा, और ये किससे हो गया? बनास नदी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे वो आप इस नक्शे से समझ सकते हो कि आपको एक इसका स्क्रीनशॉट मान लो। देखो यहाँ लूनी का बेसिन, अब थोड़ा मैप याद होगा तो आप बता सकते हो कि ये जो जोधपुर बाड़मेर है नागौर है ये किस में आता है? लूनी बेसिन में आता है। अगर ये सिकावटी बेसिन है और बात करें ये हो गया माई नदी, तो माई नदी अगर मैप याद है तो आप यहाँ से माई देखोगे और यहाँ से ये देख लोगे डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर का ये कुछ हिस्सा, तो आप यहाँ से आंसर लगा दोगे। बाकी मेन तो बनास है, माई है। और चंबल का देखो तो चंबल का इधर मैप याद रख लो, कोटा बारा झालावाड़, तो कोटा बारा झालावाड़ कौन से क्षेत्र का है? चंबल का। इस तरीके से हम जो भी है, ये साबी हो गया, ये सेकावटी हो गया, ये बाणगंगा हो गया, गंभीर हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये घग्गर। अब घग्गर का पूछिए तो घग्गर का आप थोड़ा सा मैप याद रख लो, ये थोड़ा गंगानगर और हनुमानगढ़ का हिस्सा। इस तरीके से हम इनका आंसर दे देंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं अपूरी चंदेला निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो वो संबंधित है राइफल शूटिंग से। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइफल शूटिंग से संबंधित है। और ये अपूरी चंदेला है ये इंपॉर्टेंट इसलिए आ सकता है इस क्वेश्चन पर आधारित, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हो गया राइफल शूटिंग से है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो आपको लगाना टिक जयपुर से बिलोंग करती है यानी राजस्थान से बिलोंग करती है। इसने क्या किया कि जो अभी आईएसएसएफ जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी 52 नंबर की, और ये कहाँ हुई थी, साउथ कोरिया के अंदर चांगवांग जगह साउथ कोरिया के अंदर हुई थी, और इसमें यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता था। दूसरी बात करें 2018 के अंदर ही जो गोल्ड कोस्ट के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, वहाँ पे इसने ब्रॉन्ज जीता था। अगर आपको पदक का नाम पूछें, ये पूछ सकते हैं कि 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, वहाँ पे अपूर्वी चंदेला ने कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। और एशियन गेम्स 2018 जो कहाँ हुए थे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर हुए थे, वहाँ पे भी इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखो क्या हो सकते हैं, एशियन गेम्स 2018 कहाँ हुए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, गोल्ड कोस्ट 2018 जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2018 की वो कहाँ हुए, गोल्ड कोस्ट के अंदर, और वहाँ पे ब्रॉन्ज जीता। और जो 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, ये हुआ था ग्लासगो के अंदर, ग्लासगो ये पता है स्कॉटलैंड में, और वहाँ पे इसने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है। यह होगी अपूर्वी चंदेला की पिक, शूटिंग राइफल शूटिंग है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट और बनता है 24 जनवरी को हम मनाते हैं बालिका दिवस, नेशनल चाइल्ड डे एंड बालिका दिवस। और 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, हम शहीद दिवस मनाते हैं, क्यों, महात्मा गांधी की इस दिन हत्या हुई थी, कब हुई थी ईयर बताओगे आप, शायद 1940 होगी, 30 जनवरी 1940। 12 जुलाई को हम मनाते मलाला डे, जो मलाला यूसुफजई है पाकिस्तान की, उसका जन्मदिन मनाते 12 जुलाई को मलाला डे के रूप में। और मलाला यूसुफजई को सत्यार्थ प्रकाश कैलाश सत्यार्थ के साथ में नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। 30 जुलाई को ऐसा कोई डे नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है, तो इसमें रामायण सर्किट योजना क्या है, रामायण सर्किट योजना वो योजना है जिसके अंदर भगवान राम से संबंधित जितने भी स्थान हैं, भगवान राम जितने भी स्थान से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम इससे बिलोंग किया गया है रामायण सर्किट योजना, और उनको डेवलप्ड करने के लिए। तो देखो इसके अंदर ये शहर आते हैं, 15 शहर हैं, तो अयोध्या श्रृंगी ये सब है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो वाराणसी है वो शहर नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे इसमें जो वाराणसी है वो नहीं है, बाकी अयोध्या चित्रकूट नंदीग्राम ऑप्शन में मिलेगा आपको, चित्रकूट नंदीग्राम और अयोध्या तीनों है, बल्कि वाराणसी नहीं है, तो आप आंसर यहाँ से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें से, इसका बजट पूछा जा सकता है। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार का एक संयुक्त प्रयास है, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने अयोध्या श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट को मिलाकर रामायण सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए इतने रुपये का बजट पास किया, तो बजट का आपको ध्यान रखना है। और 15 शहर पूछे बजट पूछे, ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से आपको सभी मैप वाइज मिल जाएंगे कि चित्रकूट हो गया ये सब, जहाँ जहाँ पे ये भगवान श्री राम दिख रहे हैं वो 15 शहर हैं, और कौन सा शहर कहाँ पे है ये भी पता चल जाएगा। जैसे हम्पी कहाँ है कर्नाटक में, रामेश्वरम कहाँ है तमिलनाडु में, चित्रकूट कहाँ है एमपी में, इस तरीके से आपको यहाँ से पता चल जाएगा। राजस्थान के किस शहर में सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित किया गया। ये एक क्या हो गया, आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद का काउंटर अटैक करने के लिए एक सेंटर खोला गया है, और उस सेंटर का नाम दी सरदार पटेल, तो सेंटर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, और ये खोला गया है जयपुर के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड और क्या आ सकता है, इस पर आपकी राशि पूछी जा सकती है, इस पर टोटल खर्चा कितना होगा, तो टोटल खर्चा होगा 275 करोड़ रुपये, पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखनी, इसमें सेंटर कितना रुपये खर्च करेगा, केंद्र सरकार कितने रुपये खर्च करेगी, वो करेगी 165 करोड़। अगर स्टेट पूछे राजस्थान राशि पूछे वो कितने रुपये खर्च करेगी, तो 110 करोड़ रुपये। और अभी फिलहाल इसका जो ये बिल्डिंग बन रही है, और जब तक ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी, कहाँ पर चल रही है, ये चलेगी राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर के अंदर, राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर के अंदर चलेगी, और इसका आपको राशि ध्यान रखनी है 275 करोड़ टोटल, सेंटर का 165 और स्टेट का 110 करोड़, और ये कहाँ पर, जयपुर के
अंदर। निम्न में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? तो चंपारण सत्याग्रह है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये सबसे पहला आंदोलन हुआ था जिसका गांधी जी ने नेतृत्व किया था, तो ये हुआ था बिहार के अंदर पड़ता है चंपारण जिला, तो ये चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार के अंदर, और ये हुआ था 1917 के अंदर स्टार्ट, तो 2017 के अंदर इसके पूरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आप इसकी डेट बताइएगा कि ये डेट कब हुई थी, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, पूरी डेट वाइज बताना, 1917 इसकी ईयर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें शिरोजेम्स नामक मिट्टी पाई जाती है। तो नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर, यानी जो सेंटर सेंटर से बिलोंग करते हैं थोड़े, अजमेर के बगल में, नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर, यानी जो बीच का एरिया पूछा है उसमें शिरोजेम्स नामक मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित वनों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र है? इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देखते हैं। सबसे न्यूनतम जैसलमेर मत कर देना, चूरू, गलती यही हो जाती है, जैसलमेर कर दोगे चूरू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे न्यूनतम है चूरू, सबसे मैक्सिमम पूछे आपसे, अधिकतम पूछे तो आपको टिक लगाना है उदयपुर। और न्यूनतम में भी दूसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सके कि स्वयं के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र किसका है, सब स्वयं के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक, तो आपको टिक लगाना करौली में, ठीक है। और वैसे अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र का है उदयपुर के अंदर और न्यूनतम का है चूरू के अंदर। ये वन संपदा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता दूँ थोड़े, तो ये आता है उत्पादन पूछ लेते हैं, गोंद का किससे होता है, कत्ता किससे मिलता है, बीड़ी किसके पत्ते से मिलती है, तो गोंद किससे मिलता है, गोंद मिलता है अपने चोटन और ये बाड़मेर में ज़्यादातर मिलता है, कत्था मिलता है अपने को खैर के वृक्ष से, बीड़ी किसके पत्ते से मिलती है, तेंदू के पत्ते से, और जो थार का कल्प वृक्ष होता है हम खेजड़ी को कहते हैं थार का कल्प वृक्ष। और राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम भाग है, उत्तर पश्चिम यानी ये हिस्सा, इसमें जो उत्तर पश्चिम में जो घास होती है दुधारू पशुओं के लिए वो घास होती है सेवण घास, ये भी आपको ध्यान रखनी है। निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग गोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2017 दिया गया? तो आंसर मिल जाएगा अपना प्रेमलता अग्रवाल। अब ये क्या है, भारत की सबसे पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। अब आप कहोगे कि बछेंद्री पाल भी तो पहली महिला है, बछेंद्री पाल और इसमें एक ही फर्क है, एक उम्र का फर्क रखा गया है। ये जो प्रेमलता अग्रवाल है इन्होंने 48 वर्ष की आयु में, लगभग 48 वर्ष की आयु में इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, और जो बछेंद्री पाल है उन्होंने 29 यानी 29 वर्ष की आयु में, तो 48 वर्ष की आयु और 29 वर्ष की आयु, ये आयु ध्यान रखनी है प्रेमलता अग्रवाल। अब क्वेश्चन आ सकता है कि तेंजिंग नोर्गे कौन थे, ये माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले जाने वाले पूरे विश्व का पहला आदमी था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, और ये कहाँ के थे, नेपाल के, इसलिए उनकी याद में ये अवार्ड रखा गया तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2017। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान में किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये आयु वर्ग है 15 से 45 वर्ष के लिए, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 से 45 वर्ष के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है, एक है ये, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, शॉर्ट में बोल देंगे MHS, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, इस पर अगर टोटल रुपये कितने खर्च होंगे तो वह बताएं 76 करोड़ रुपये इसका राशि रखी गई है राजस्थान के अंदर MHS स्कीम के अंदर, टोटल बजट पूछे और अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ये पूछे, तो 1.2 करोड़ पे टिक लगाना है, अब तक खर्च किया जा चुका है 1.2 करोड़, 76 करोड़ इस पर टोटल खर्चा किया जाना है। और क्वेश्चन आ सकता है कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको लगाना है 28 मई पे टिक। और पहली बार कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 28 मई 2014 को फर्स्ट बार मनाया गया था। इसके बारे में डिटेल से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे सब मिलेगा आपको, मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में और ये सब क्या है, सब डिटेल वाइज है। निम्न में से कौन सा रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर जो एड्स रोगी होते हैं वो पात्र होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर पूरे आपने 5 पार्ट देखे हैं तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, पहले क्वेश्चन ये आया था और अब इस क्वेश्चन को एडिट करके आया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को और इसकी जो थीम थी वो थी बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन,
यानी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, प्लास्टिक प्रदूषण है, उसको हराना, उसको मात देना, इस तरीके से थी। और ये 2018 का होस्ट कंट्री कौन थी? भारत में, यानी 2018 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया भारत के अंदर मनाया गया। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं इस पे इंपॉर्टेंट, कब मनाया जाता है, होस्ट कंट्री और इसकी जो थीम होती है वो। नेक्स्ट, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो ये होता है मलिनाथ जी की स्थिति में, किसकी स्मृति में, तो आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी। अब राजस्थान के अंदर जो भी पशु मेले उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ये रहे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे जो भी है इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। पशु मेले का नाम है, स्थान है, जिला है और नस्ल है। और ये अपने को अगर पूछा है अभी यहाँ पे तिलवाड़ा वाला, तो ये तिलवाड़ा या मलिनाथ जी तिलवाड़ा पशु मेला, और ये कहाँ पे होता है? बाड़मेर। तो अपने को ये ध्यान रखना है और आप यहाँ से दोनों पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब यहाँ से 10 में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अंदर दो होते हैं, एक तो होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। दिगंबर इसको 10 दिन तक मनाते हैं और श्वेतांबर इसको 8 दिन तक मनाते हैं। और ये 10 दिन तक मनाने के लिए इसको क्या होता है, 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। क्या? 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पर्युषण पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, भाद्रपद यानी भादवा में मनाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्न में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? सेवन, अभी बताया था आपको सेवन। इनको सबको मिलाना है अपने को, यानी प्रेजेंट नाम और एंशियंट नाम, वर्तमान नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या है, इन सब के बारे में बताना है। गंगानगर की बात करें तो गंगानगर को अयोध्या कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? उदयपुर को शिवी कहते हैं, सही है। जालौर को क्या कहेंगे? जालौर को सवर्णगिरी कहते हैं और भरतपुर को विराट कहते हैं। यानी सबका सब मैच है, वो इसी दिशा में होगा, यानी सब सेम है। बाकी आपको और देखना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है। जो भी इनके अगर प्राचीन नया नाम, प्राचीन नाम और राजधानी सब लिए हैं, जयपुर, ढूंढाड़, अमेर। ज़्यादातर जो पूछते हैं वो इस चार्ट से पूछते हैं, एक तो इसका ज़्यादातर पूछते हैं, अहिछत्रपुर, ये जंगल प्रदेश, जंगल प्राचीन नाम जंगल अहिछत्रपुर, और ये नागौर की राजधानी वैसे है। ये देखो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, यही यहाँ से पूछे गए, जालौर, सवर्णगिरी और क्या था यहाँ पे, गंगानगर, योद्धे और भरतपुर, सूरसेन या ब्रजभूमि। तो मतलब इनमें से ये जो है ना, ये नागौर हो गया, जंगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर, उदयपुर का क्या था ऑप्शन में अभी हमने देखा था, शिव। तो मतलब कुल मिला के ये चार्ट है, इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे आ सकता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक ये चार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? अब मत्स्य संघ है, ये राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो सबसे पहले प्रथम चरण में मत्स्य संघ को ही शामिल किया गया था। और ये किसके आदेश पे या किसकी सिफारिश पे, किसके सुझाव पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है के.एम. मुंशी। अब इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, कई क्वेश्चन बन सकते हैं मत्स्य संघ से, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये कब हुआ था, मत्स्य संघ कब मिलाया गया था, ये हुआ था, बना था 18 मार्च 1948। एक तो डेट याद रखनी है। इसके मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो वो थे एन वी गाडविल। सम्मिलित होने वाले राज्य कौन कौन से थे? इसमें सम्मिलित होने वाले राज्य ये थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये हो गए इस पर। राजधानी रखी गई थी अलवर को, यानी इसकी जो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो ये। इसके जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे, क्वेश्चन पूछे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री तो शोभा राम कुमावत। और संवैधानिक प्रमुख यानी जो राज प्रमुख है, राज प्रमुख किसे रखा गया था, अगर क्वेश्चन पूछे राज प्रमुख, तो धौलपुर के महाराजा थे उदय भान सिंह, धौलपुर के ये थे राज प्रमुख। और प्रधानमंत्री थे शोभा राम कुमावत। उप प्रधान पूछे नहीं उप प्रमुख पूछे तो वो थे गणेश पाल, ये थे इसके मेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो राजवल्लभ है, वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है, बल्कि संगीत राज भी है, मीमांसा भी है, रसिक प्रिया भी है। आगे क्वेश्चन आने वाला आपसे कुंभा से रिलेटेड कई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथ और कृतियां मैंने यहाँ लिखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुंभा के उपनाम है ये यहाँ पर लिख दिए गए। और इनका महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ?
तो महाराणा कुंभा के बारे में पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, सब यहाँ पे लिख दिया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2018 के अंदर जो थुम्पा भूमध्य रेखा के रॉकेट लॉन्च की स्टेशन भारत ने यूएन को समर्पित करने के पश्चात वर्ष पूरे किए हैं। अब देखो 2018 की बात हो रही है, जब भारत अंतरिक्ष स्टेशनों के अंदर मतलब इसमें आया था, इस कदम में यह आया था। ये थुम्पा पड़ती है केरल के पास में, तिरुवनंतपुरम के पास में पड़ती है। थुम्पा नामक एक जगह है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना रखा है ये। इसको इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है आपको, थुम्पा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी TERLS, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। और इसको ऑपरेट कौन करता है, इसका ऑपरेट करता है अपना इसरो। इसका ऑपरेशन किसके हाथ में, इसरो के हाथ में। और सबसे पहले 1963 के अंदर भारत ने कदम रखा था अंतरिक्ष के अंदर, तो ये थुम्पा के थ्रू रखा था मैंने पहला। तो ये क्या हुआ था कि 2 फरवरी 2018 को, ये डेट याद रखनी है, 2018 को, मतलब ये जो भारत ने थुम्पा के साथ और यूएन के साथ एक समझौता किया था, जिसमें यूएन ने क्या किया, कुछ देश होते हैं उनके लिए खुला छोड़ दिया था, उन्होंने भारत की मदद की थी। तो ये 2 फरवरी 2018 को पूरे 50 वर्ष कंप्लीट हो गए थे। तो डेट पूछे तो आपको 2 फरवरी 2018 याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये, भारत का पहला फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड भारत के किस शहर में शुरू किया गया है। एक फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है और ये शुरू किया गया है भारत के हैदराबाद के अंदर। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और इसका अगर आपसे हिंदी में नाम आ जाए, ये क्वेश्चन है, तो इसका हिंदी में नाम है अस्थाई उपचार आर्द्रभूमि। एक क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वाटरलैंड डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। यह वर्ल्ड जो पार्क बनाया गया है, कौन सा पार्क, ये फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है, ये है पार्क। और ये कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद के अंदर एक झील है, नेकनामपुर नामक एक झील है। तो क्वेश्चन में आपसे झील पूछी जा सकती है। और ये पहला फ्लोटिंग एंड तैरता हुआ है वाटरलैंड ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 के अनुसार 80 वर्ष के व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले सहायक को राजस्थान रोडवेज की बसों में कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, तो पूरी आधी छूट मिलती है। तो आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त 2018 को कई लोग कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हो गई थी, ये जनता के अंदर एक अफवाह फैल गई थी। और 16 अगस्त 2018 को सुबह सुबह ये घोषणा कर दी थी। और कुछ लोग कहते हैं कि 15 अगस्त को ही हो गई थी, इसलिए घोषणा नहीं की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं 15 अगस्त के अंदर कोई ना विधान पड़ जाए। तो इस ये अपने को आंसर में टिक लगाते हैं 16 अगस्त 2018, क्योंकि अपने को ऑफिशियल पे जाना है, ऑफिशियल है 16 अगस्त 2018। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ, 16 अगस्त 2018। तो आंसर हो जाएगा ये। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, राजस्थान के अंदर जो सीता माता अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है, और वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, हम जितने भी आज 7वां पार्ट कर रहे हैं, और हर पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन रिलेटेड अभयारण्य से जरूर आया है, अभयारण्य हो या पार्क हो, एक तो श्योर है आ सकता है एक या दो। तो आप इस एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो सीता माता अभयारण्य यह उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ये है कहाँ पे, अगर ये पूछे कहाँ पे, तो यह प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है, प्रतापगढ़ के अंदर। और अगर इसके अंदर ये तो पूछ ले किस लिए प्रसिद्ध है, अगर यहाँ पे वनों के लिए बात आ जाए, तो ये सागवान के वनों के लिए भी ये प्रसिद्ध है, सागवान के वृक्ष यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं किसके, सीता माता अभयारण्य के अंदर। तो हम देखते हैं, ये हमने देख लिया है इंपॉर्टेंट पार्क्स के शुरू से देखते आ रहे और अब तक याद हो गया होगा, और ये दोनों हमने देख लिए। देखो ये रहा सीता माता, प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेर इज द बाणगंगा का मेला हेल्ड, बाणगंगा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बाणगंगा का जो मेला आयोजित किया जाता है वो जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। और जयपुर के अंदर आपको जगह पूछ ले तो जगह आपको बतानी है विराटनगर। और इसमें अगर आपसे डेट पूछ ले कब, तो ये वैसाखी पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। विराटनगर, वैसाख पूर्णिमा, जयपुर जिला। और जयपुर के अंदर एक दूसरा मेला और होता है जिसको हम कहते हैं शीतला माता, और ये भी कहाँ पर होता है, ये चाकसू के अंदर होता है। बात करें हम आगे अलवर की, तो अलवर के अंदर होता है बृहत हरिका मेला। स्वयंमाधोपुर के इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो मेले आयोजित किए जाते हैं, एक तो होता है अपन कहते हैं जैसे कि रणथंभौर में, और रणथंभौर के अंदर किसका मेला होता है, यहाँ पे होता है गणेश जी का,
गणेश जी का। और ये कब होता है गणेश जी का, यानी गणेश चतुर्थी के दिन, और वो कब आती है गणेश चतुर्थी, कब आती है क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा सके। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को आता है, भाद्रपद यानी भादवे की चतुर्थी को आता है। और जो स्वयंमाधोपुर है इसके अंदर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं चौथ माता का, और वो जगह का नाम पूछे तो चौथ का बरवाड़ा, जगह का नाम पूछे तो चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। और ये किसका होता है, ये चौथ माता का होता है, चौथ माता का। और ये होता है माघ कृष्ण माघ की, ध्यान देना ये माघ की, माघ माघ की चतुर्थी को आता है। और ये जो गणेश जी वाला ये था भादवे की चतुर्थी को आता है, तो इंपॉर्टेंट है आप इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है, तो नैनोराम शर्मा है, वो हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक है, तो आंसर हो जाएगा नैनोराम। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि राजस्थान सेवा संघ का पूछे तो इसके कौन है, मेनली आंसर आते हैं विजय सिंह पतिंग, लेकिन इनके साथ में दो और है, अर्जुनलाल सेठी और कहे तो हम जो केसरी सिंह भारट, अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह भारट, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह फतिक, केसरी सिंह भारट और अर्जुनलाल सेठी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं का नृत्य कौन सा, इसका आंसर बताना, ये होता है चेरी नृत्य, चरी नृत्य, और ये होता है गुर्जर जाति, अगर जाति पूछ ले तो आपसे आंसर लगाना गुर्जर जाति, तो आंसर हो जाएगा चरी नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें गैर नृत्य की, ये इसको भिल्लों का नृत्य भी कहते हैं, यानी भिल्लों का, और ये कहाँ पे होता है, ये मेवाड़ क्षेत्र में होता है, भिल्लों का मेवाड़। और ये जो चंग है ये होता है शेखावाटी का, शेखावाटी मतलब शिखर चुरू झुंझुनू, ये शेखावाटी का है। और चंग यहाँ पे गिंदड़ भी खेला जाता है, चंग के साथ में गिंदड़ भी खेला जाता है। एक ये जो कच्ची घोड़ी है ये भी कहाँ होता है, शेखावाटी के अंदर होता है, तो शेखावाटी के अंदर चंग हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, और तीसरा बताया था आपको अभी गिंदड़। अब ये जो एक क्वेश्चन और आ सकता है कि राज्य की आत्मा, क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य की आत्मा कौन सा नृत्य है, तो आपको आंसर पेटिक लगाना घुमर, आंसर हो जाएगा घुमर। और ये जो घुमर होता है, क्वेश्चन एक और आता है कि ये जो घुमर होता है ये गुजरात के कौन से खेल से, कौन से नृत्य से मिलता जुलता है, तो गुजरात का जो गरबा है उससे मिलता जुलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है, तो ये ग्रंथ है कन्नड़ प्रबंध ग्रंथ से मिलती है। अब देखो क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं इनसे संबंधित, इनके ग्रंथ हैं, इनके कौन कौन से रचयिता है। अगर बात आएगी पद्मावत की, तो पद्मावत के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान देना मलिक मोहम्मद जायसी। दलपत विलास है, इसके कौन है, दलपत विलास के रावत सारस्वत, रावत सारस्वत। कन्नड़ प्रबंध हो गया, इसके कौन हो गए, कन्नड़ प्रबंध के हो जाएंगे पद्मनाम, ध्यान देना पद्मनाम। और हमीरहट है, इम्पोर्टेंट है, हमीरहट का है चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर एक और के हैं, किसके, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र ग्रंथ। क्वेश्चन आ सकता है सुरजन चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है, हमीरहट के रचयिता कौन है, कन्नड़ प्रबंध के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता पूछ सकते, तो आपको ध्यान देना पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। और एक दो और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो पृथ्वीराज रासु की रचना है, पृथ्वीराज रासु है, वो किसकी है, वो है चंद्रवरदई, चंद्रवरदई। और सूर्यमल मिश्रण की पूछ ली आपसे, तो आपको लगाना एक तो वीर सतसई पे, वीर सतसई इंपॉर्टेंट है, वीर सतसई, एक तो चंद्रवरदई वाली पृथ्वीराज रासु, और एक वंश भास्कर, वंश भास्कर, और ये किसके, वीर सतसई और वंश भास्कर, ये दोनों सूर्यमल मिश्रण की है। नेक्स्ट आ गया, निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर किए थे भील आंदोलन, तो ये किया था स्वामी गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बदल के कैसे आ सकता है, जो ये भील आंदोलन है इसका दूसरा नाम एक और है भगत आंदोलन, तो क्वेश्चन आ गया कि भगत आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया, तो आंसर लगाना है स्वामी गोविंद गिरी पे, ठीक है। और ये जो दामोदर दास राठी है ये ब्यावर से थे, ये जमनालाल बजाज शेखावटी से, और गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाते हैं ये। और जो अर्जुनलाल सेठी है ये जयपुर से, जयपुर से नेतृत्व किया था इन्होंने। नेक्स्ट आगे बढ़ते, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र, कितना प्रतिशत वन क्षेत्र, कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना जरूरी है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। अब देखो इसमें क्या है कि 33% वन होना जरूरी है, तो आंसर हो जाएगा अपना 33% वन होना जरूरी है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा जिला है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर के अंदर, और न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पर है, न्यूनतम है अपने चूरू के अंदर, ठीक है। और एक आ सकता है स्वयं के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसका है, वो है करौली के अंदर, तो मेन उदयपुर और चूरू ध्यान में रखना, और 33% वन क्षेत्र होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में देखा है मैंने, और इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 हुए थे उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बनता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के राज्यपाल पूछे हैं, तो राज्यपाल है तो वजुभाई वाला है, अगर यहाँ के सीएम पूछ ले आपसे तो कुमार स्वामी है, कुमार स्वामी,
अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कर्नाटक के अंदर चुनाव हुई थी तो इसमें क्या होगा, तीन पार्टी थी, एक तो थी ये जो कुमार स्वामी की पार्टी थी, एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी। तो ये जो जब गवर्नर होता है, गवर्नर एक संवैधानिक पद पे होता है, तो वो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बीजेपी को न्योता दे दिया कि हाँ आप गवर्नमेंट बना लो, लेकिन बीजेपी का हक नहीं था क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी ये एक और थी, तो मतलब उनका हक था। फिर बाद में क्या होगा, बीजेपी का सीएम बन गया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बहुमत साबित नहीं कर पाए, और बाद में ये जो कुमार स्वामी सीएम बने कांग्रेस के सहयोग से। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में आया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो वय वंदना योजना का आरंभ है निम्न में से किस वर्ष किया गया था। ये जो वय वंदना योजना है इसका जो आरंभ किया गया था वो किया था 2017 के अंदर। आपसे पूछे तो मई 2017 अपने को आंसर लगाना है। और ये एक पेंशन स्कीम है, और किसके लिए, बूढ़े लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी वृद्ध नागरिकों के लिए। और इसमें न्यूनतम 60 वर्ष होना जरूरी है, मैक्सिमम उम्र का पता वो फिक्स नहीं। पहले इसमें निवेश की सीमा 7.5-7 लाख थी, लेकिन बाद में इस निवेश की सीमा पूछे आपसे तो 15 लाख इसमें कर दिए। ये है कि पहले आप निवेश करो और बाद में जैसे आपके मतलब वृद्ध बुढ़ापा है तब आप पेंशन स्कीम उठा सकते हो, मैक्सिमम 10,000 रुपये पर मंथ। तो ये 2017 के अंदर स्टार्ट की गई थी PMVY वंदना योजना। तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं वाई वंदना योजना, ये कह दिया कि PMVY में वी क्या है, ये वी क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है। तो ये इथेनॉल होता है जो एल्कोहल से प्राप्त किया जाता है, और एल्कोहल प्राप्त किससे किया जाता है, शुगर केन होते हैं, शुगर होता है जिसे अपन गन्ना वगैरह कहते हैं उनसे। तो ये एक फ्यूल राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक जैव ईंधन मतलब बायोफ्यूल जैव ईंधन घोषित कर दिया, किसको, इथेनॉल को। तो ध्यान रखना इथेनॉल। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो देखो अब अलग अलग संप्रदाय उनके सबके अलग अलग संस्थापक होते हैं। अब ये जाम्बोजी है, ये बिश्नोई धर्म के संस्थापक है। अब ये जो बिश्नोई धर्म के संस्थापक हैं इस पर हमने शुरू में बात की थी, एक जो खेजड़ली मौसम मनाया जाता है खेजड़ियों के लिए, वो भी बिश्नोई धर्म से संबंधित है। और जो सलमान खान है उन्होंने जो काला हिरण शिकार के इसमें है फंसा है, वो भी बिश्नोई धर्म से होता है, क्योंकि इनको जो हिरण होता है उसको परिवार का सदस्य मानते हैं ये लोग। तो इसका अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी जो प्रधानपीठ कहाँ है, बिश्नोई संप्रदाय की प्रधानपीठ कहाँ है, तो आपको टिक लगाना है मुकाम नौखा के अंदर, मुकाम नौखा बीकानेर, बीकानेर की नौखा तहसील के अंदर मुकाम नामक जगह पर इसकी प्रधानपीठ है। रामदेव जी का स्थान पूछ लिया आपसे, तो रोणेसा सबको पता है। धन्ना जी का जो स्थान है इसका है टोंक के अंदर, टोंक के अंदर एक जगह धुआ कला। और तेजा जी का पता है ही पर्वत सर के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, वो थी 2007 से 2012 ग्यारहवीं की पूछिए 7 से 12, और 12वीं की कितनी है 12 से 17। अगर 12वीं की पूछ ले आपसे तो 12 से 17 पे टिक लगाना है। और बाद में क्या हुआ, ये योजना आयोग, ये जो स्टार्ट कब हुई थी, योजना आयोग है आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से स्टार्ट हुई, वो हुई थी 1951 से 1956। पहले पूछे तो 51 से 1956, 11वीं पूछिए 7 से 12, 12वीं पूछे। अब बाद में क्या किया, पंचवर्षीय योजना होती है इनका मेन उद्देश्य एक होता है कि जो अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, इनको मतलब स्ट्रॉन्ग करना। इसलिए बाद में क्या किया, जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने पंचवर्षीय योजना का नाम ही बदल दिया, और जो 5-ईयर प्लान था उनका नाम इन्होंने क्या रखा, वो रखा नीति आयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग इंपॉर्टेंट होता है। अब नीति आयोग पे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली ज़्यादातर। नीति आयोग की आपसे अगर स्थापना पूछेगी, स्थापना कब हुई, तो आपको बताना 1 जनवरी 2015। पहले इसका जो पंचवर्षीय योजना था उसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया, और इसके जो चेयरमैन होते वो खुद पीएम होते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आ सकते हैं, इसके वाइस चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, तो आपको टिक लगाना है राजीव कुमार। अब अगर आ गया क्वेश्चन कि इसके डायरेक्टर कौन है, निदेशक, तो दिनेश अरोड़ा ये इसके निदेशक हैं, डायरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना 7 से 12। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना शुरू की गई है। ये अनास बांध परियोजना अनास नदी पर शुरू की गई, और ये है बांसवाड़ा के अंदर। तो क्वेश्चन आ सकता है, अनास नदी कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। अनास बांध परियोजना कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्वर्ण, जिसकी घोषणा दिसंबर 2017 में की गई, का संबंध किस क्षेत्र से है। ये रेलवे के क्षेत्र से है, और इसमें क्या किया है, जो शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेन है, शताब्दी और राजधानी, इनके क्या है कि ये एक लग्जरी ट्रेन से इंडिया की, और इनमें क्या है कि लग्जरी ट्रेन है ये, लेकिन ये एक ना तो समय पर चलती है, ना ही इनके अंदर सफाई रहती है, ये जो गंदगी रहती है। तो मतलब ये जो कंप्लेंट है उन कंप्लेंट का निवारण करने के लिए एक अभियान चला गया है, जिस अभियान का नाम है ये ऑपरेशन स्वर्ण। तो ये रेलवे से संबंधित है। नेक्स्ट है सूर्य किरण, भारतीय सेना का निम्न में से,
सूर्य किरण भारतीय सेना का निम्न में से किस देश के साथ एक किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है? अब ध्यान देना, ये सेना का है, पहले तो ये बात ध्यान देना, सेना का है। और ये सूर्य किरण है नेपाल के साथ होने वाला। चीन के साथ जो होता है वो हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड बोलते हैं, हैंड इन हैंड। और बांग्लादेश के साथ होता है वो होता है संप्रीति, बांग्लादेश के साथ हो जाए संप्रीति। और जो श्रीलंका के साथ है उसके साथ होता है मित्र शक्ति। अब देखो ये तो है श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, तो कौन है? सेना के साथ होने वाला। और एक और पूछ लेते हैं, श्रीलंका के साथ जो नेवी का होता है, नेवी वाले का नाम है स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स। ध्यान देना, नेवी का ये नौसेना का युद्ध अभ्यास है श्रीलंका के साथ, और ये जो मित्र शक्ति है ये सेना का। यह संप्रीति किसका? बांग्लादेश के साथ में, नेपाल के साथ हो गया सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको अपने को सही क्रम में सेट करना है कि कौन सा सही है। बिसलपुर बांध है, कहाँ पे? बिसलपुर बनास नदी पे, यानी ये अपना सही है। मेजा बांध है, ये कौन सी नदी पे? ये खारी नदी पे नहीं, ये कोठारी नदी पे है। सिद्धमुख नहर है, ये जो सिद्धमुख नहर है यमुना नदी से बिलोंग नहीं करती, ये रावी और व्यास की है, रावी और व्यास से निकलती है। जो पोंग बांध है ये किसका है? ये चंबल का नहीं है, ये व्यास का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे, और ये अपना सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को कम साक्षरता दर यानी घटते हुए क्रम में रखना है। तो सबसे ज़्यादा किसकी? कोटा की, एक नंबर पे, दो पे जयपुर, तीन पे झुंझुनू, चार पे सीकर, पाँच पे अलवर। इस पर आधारित और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? अगर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता पूछे राजस्थान की, राजस्थान की कुल पूछे, तो आपको लगाना है 66.01%। अगर राजस्थान की पूछ लें और राजस्थान की पुरुष पूछ लें कि पुरुष साक्षरता कितनी है राजस्थान की, तो आपको टिक लगाना है 79.2% पे। अगर महिला साक्षरता पूछ लें राजस्थान की, राजस्थान की बात करें, तो आपको टिक लगाना है 52.1% पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोटा की है, तो कोटा की साक्षरता आपसे पूछी जा सकती है। कोटा की साक्षरता है 76.6%। और सबसे कम पूछ लें तो सबसे कम है जालौर की, और जालौर के 54.9%। ठीक है, ये सब हो गया यहाँ से। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। घग्गर का जो दोआब मैदान है, दोआब मैदान उसको कहते हैं दो नदियों के बीच का मैदान। आब, आब का मतलब होता है पानी, दोआब मैदान यानी दो नदियों के बीच का मैदान, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में पाया जाता है। तो वह निम्नलिखित में किन दो नदियों का निक्षेपण है? तो वह घग्गर और सतलज नदी। तो जो घग्गर का जो दोआब मैदान है वो घग्गर और सतलज नदियों के बीच का क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनको अपने को सम्मिलित करना है। देखो ये क्वेश्चन आते हैं ना, इनसे चार पांच क्वेश्चन और बन जाते हैं। अब देखो, खेतड़ी, सिंगाना, तांबा। अब ये जो खेतड़ी है, क्वेश्चन आ सकता है कि तांबे की खान कहाँ है? खेतड़ी सिंगाना में। अब ये खेतड़ी सिंगाना तांबा कहाँ है? ये अपना सही समूह को चयनित करो, ये अपना सही है। और ये कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा झुंझुनू। अब देखो ये सिंगाना यहाँ पर भी है, ये डाबला सिंगाना है, ये बेरेट, ये बेरेट की नहीं है, ये लोहे की है, तो ये अपना गलत हो गया। और ये भी कहें झुंझुनू के अंदर है। ये जो राजपुरा दरीबा है ये सोने की नहीं है, ये जिंक और लेड की है, जिंक और लेड की है। और ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। और झमर कोटड़ा हो गया अपना, झमर कोटड़ा ये किसके है? ये रॉक फास्फेट के हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये लोहा है इसका जगह, सोना की जगह जिंक और लेड आ जाएगा, उदयपुर के अंदर है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? वो एक संगीत थे। और अगर इसमें दूसरा उनका इंस्ट्रूमेंट पूछ ले, कौन सा यंत्र बजाते थे? वो थे भपंग, भपंग। क्वेश्चन आ सकता है भपंग, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? वो भपंग इंस्ट्रूमेंट। और एक और नाम आता है जहर खां मेवाती, जहर खां मेवाती, वो भी किससे संबंध है? इसी से संबंधित है, संगीत से। नेक्स्ट, एमपी और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को होती है, कौन सी है? एमपी और राजस्थान की बात हो रही है, तो अपने को इसमें टिक लगाना है किस पे? चंबल पे। चंबल किसकी है? एमपी की और राजस्थान की। भाखड़ा वाली किसकी है? हरियाणा की, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। व्यास किस किस की है? ये वो सेम है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। माई किस है? मतलब इसका पूर्ण स्वामित्व किसके पास है? राजस्थान के पास है, लेकिन ये वैसे देखें तो राजस्थान और गुजरात की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंबल। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख सोर्स क्या है? राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे पैदा की जाती है? वो की जाती है तापीय शक्ति है, थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, इसमें कोयले का यूज किया जाता है, वायु होती है, इसमें विंड एनर्जी होती है जो पहाड़ों पे लगा दिए जाते हैं। एटॉमिक के अंदर अपन यूरेनियम काम में लेते हैं। जल विद्युत यानी हाइड्रो, यानी इसमें पानी से बिजली पैदा की जाती है। तो इसमें ज़्यादातर राजस्थान के अंदर सोर्स है मैंने वो थर्मल, थर्मल से पैदा की जाती है।
मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। मिट्टी अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी के कारण क्या होते हैं, उपजाऊपन दूर होना या हवा या पानी की वजह से क्या होते हैं, मिट्टी अपना स्थान छोड़ देती है और वो स्थान छोड़ देती है क्योंकि वहाँ पर अनुपजाऊपन रह जाता है, यानी उपजाऊ नहीं रहती वो ज़मीन। और दूसरा कारण क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर वृक्षों की कटाई या ज़्यादातर एक एक जगह पर मतलब पशुओं को चराना, वो भी मिट्टी अपरदन का कारण। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हाड़ौती पठार में होता है। तो आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिटेज वीक 2017। हेरिटेज वीक को हम क्या कहते हैं, जो धरोहर होते हैं अपने, धरोहर होते हैं विश्व धरोहर सप्ताह, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व धरोहर सप्ताह। ये 2017 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया, अब आ सकता है 2018 का आयोजन, और दोनों सेम जगह पर किया गया, वो गया है जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर भी आपको जगह पूछ लें तो डिगी पैलेस, तो आंसर हो जाएगा डिगी पैलेस पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दूध संकल में प्रथम क्रम पर है, तो दूध के अंदर जयपुर अपना पहला स्थान पे है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, देखो इसका आंसर जो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब हम बात करें इस पर आधारित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछे कि ये जो 1857 की क्रांति ये कब स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले 29 मार्च ध्यान देना, 29 मार्च 1857 के अंदर कब किसने मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी और वो कहाँ पे स्टार्ट की थी, बैरकपुर में की थी। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर क्या होगा, जो इसका जो एजीजी का हेडक्वार्टर है अजमेर के अंदर, और अजमेर के अंदर कब बना था, इसका बना था 1832 में, ध्यान देना 1832 के अंदर एजीजी का हेडक्वार्टर बना था अजमेर में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एजीजी का हेडक्वार्टर कहाँ था, अजमेर के अंदर। राजस्थान के अंदर 6 छावनियाँ थी उस टाइम, बात करें तो नसीराबाद से स्टार्ट हुआ था, 6 छावनियाँ थी और नसीराबाद जो अजमेर है वहाँ से स्टार्ट हुई थी ये। और ये कब हुई थी, ये डेट पूछे आपसे तो ये डेट बतानी है आपको 28 मई 1857। तो राजस्थान की डेट पूछे तो आपको 28 मई 1857, और संपूर्ण भारत के अंदर कब स्टार्ट हुई तो 29 मार्च 1857 बैरकपुर के अंदर, और राजस्थान में हुई थी नसीराबाद अजमेर से। और राजस्थान की और छावनियों की बात करें तो देवली टोंक थी, एरियनपुर पाली थी, नीमच थी, और नीमच अब कहाँ है, एमपी में अंदर है, और खेरवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, ये सब कहाँ थी, राजस्थान के अंदर 6 छावनियाँ थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में के अंदर पूरा हुआ था, अलग अलग चरण थे इसके अंदर। अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले 565 रियासतें थी इंडिया के अंदर, और राजस्थान कब पूछे आपसे, तो राजस्थान के अंदर 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, ठिकाने बोलते तो एक तो कुंभलगढ़ था, एक था निमराणा, और एक था ये लावा टोंक, 3 ठिकाने थे, और एक था अंग्रेज शासित प्रदेश, और अंग्रेज शासित प्रदेश था अजमेर। ठीक है, तो रियासतें कितनी थी, 19। तो इन सभी रियासतों को मिला के क्या कि एक वृहद राजस्थान बनाया गया, तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई 7 चरणों में ही थी। और ये जो प्रोसेस आपसे पूछी कि स्टार्ट कब हुई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है कि जो एकीकरण है वो स्टार्ट कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, अगर स्टार्ट की आपसे डेट पूछे तो आपको बोलना है 18 मार्च 1948 को। और अंत हुआ था 1 नवंबर 1956, और इस दिन पूरा राजस्थान बनके तैयार हो गया था, राजस्थान पूरा अस्तित्व में आ गया था 1 नवंबर 1956 के अंदर। अगर टोटल समय पूछ ले कि कितना समय लगा, जैसे संविधान का पूछते हैं ना वैसे इसका भी पूछ सकते हैं, राजस्थान के एकीकरण में टोटल समय कितना लगा था, वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ध्यान देना इसको, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन ये लगा था पूरा समय। और एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पे, जो ये अध्यक्षता हुई थी, ये रियासतों का एकीकरण करने वाली ये अध्यक्षता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में थी, और जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन, ध्यान देना सचिव थे वीपी मेनन, और अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन अपना, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर के अंदर, तो आंसर हो जाएगा अपना बीकानेर। बात करते हैं अलग अलग जगह पे, जयपुर के अंदर कौन कौन से, जयपुर के अंदर अमेर है, जयगढ़ है, नारगढ़ है, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ है, और उदयपुर के अंदर बात करते हैं हम तो भैंसरोड़गढ़ है, ध्यान देना भैंसरोड़गढ़, ठीक है, भैंसरोड़गढ़ हो गया, इसके अंदर मेहरानगढ़ हो गया, ये जूनागढ़ हो गया, और जयपुर के अंदर अमेर, जयगढ़, नारगढ़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल थे, तो मत्स्य संघ के अंदर शामिल कौन थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। और सबसे पहले जो पहला एकीकरण हुआ था उसमें मत्स्य संघ ही बनाया गया था, और ये कब हुआ था, 18 मार्च 1948, ठीक है, ध्यान देना 18 मार्च 1948 को एकीकरण स्टार्ट हुआ था, और पहला एकीकरण हुआ था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ में 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें थी। और इसका क्वेश्चन आ सकता है कि मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो कौन है, तो वो थे उदय भान सिंह, और ये कहाँ के थे, धौलपुर के महाराजा थे। और प्रधानमंत्री पूछे आपसे, तो प्रधानमंत्री पे आपको लगाना है शोभाराम कुमावत, और ये
किसके थे? ये अलवर के थे, ठीक है। और ये जो मत्स्य संघ बना था ये किसके सुझाव पे बना था? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, के एम मुंशी के सुझाव पे मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। डेट पुष्टि 18 मार्च 1948, राजप्रभु उदयभानी सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमार और के एम मुंशी का सुझाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे राजस्थान की जो स्वतंत्र आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो वो महिला थी अंजना देवी चौधरी। और अंजना देवी चौधरी के बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ के जो महाराणा भोपाल सिंह है किस वर्ष में अंदर राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने? जब सात चरणों के अंदर राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था और जब तीसरा चरण बना था, थर्ड चरण, तो उसके अंदर जो राज प्रमुख बनाया गया था, महाराजा प्रमुख, वो बनाया गया महाराणा भोपाल सिंह को। तो जो तृतीय चरण हुआ था, और जो तृतीय चरण है वो कब हुआ था? तृतीय चरण की अगर पूछे तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1948। ध्यान देना, 18 अप्रैल 1948। आप इसका कन्फर्म करके मेरे को आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे को 18 अप्रैल 1948 मिला है और RSMWSB ने 1949 माना, तो आप कन्फर्म करके बताइएगा इसमें क्या होगा। ये जो थर्ड चरण है इसके प्रमुख बनाए गए थे महाराणा भोपाल सिंह को। और थर्ड चरण के अंदर किसको मिलाया गया था? थर्ड चरण हुआ था उसके अंदर संयुक्त राजस्थान बना था, संयुक्त राजस्थान। और क्या क्या मिलकर बना था? एक तो राजस्थान संघ और मेवाड़। राजस्थान संघ और मेवाड़ को मिला के संयुक्त राजस्थान बना था तीसरे चरण के अंदर। और इसके प्रमुख हो गए महाराणा भोपाल सिंह। और ये पूछ ले प्रधानमंत्री कौन थे इसके? तो प्रधानमंत्री थे माणिकलाल वर्मा, उदयपुर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं 82 नंबर। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? तो अजरक प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। इसके बाकी जो और हैं, ये जो बालोतरा होगी, पाली होगी, बगरू होगी, इनकी भी अलग अलग है, इनके बारे में आपको डिटेल देखनी है, मैंने यहाँ लिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। अलग अलग प्रिंट है, बगरू, मैन, टुकड़ी, तबक, संगानेरी, ये सब, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ये दो पेज है, अजरक प्रिंट कहाँ गए, देखो ये रहा क्वेश्चन बाड़मेर का। नेक्स्ट बढ़ते अगला क्वेश्चन। कौन सा आभूषण कान पे पहना जाता है? तो कान पे कौन सा पहना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है अपने को, टोटी। ये आपके बस की बात है, औरतों के बस की बात है कि कौन सा आभूषण कान पहना जाता है, याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप इसका देखो, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे आभूषण याद करने हैं आपको। तो इसमें आया था टोटी, ये टोटी आया था कान में, देखो ये रहा टोटी, ये कान ही होगा। और बाकी और उसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, कान हो गया, तो कान में अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा टोटी। टिक्का, बुल्ली, रिम जोड़, ये देख लो कहाँ कहाँ मिलेंगे अपने को। एक तो ये हो गया टोटी, और इसमें हम बात करें ये टिक्का, बाकी और देख लेना आप इसमें पूरे आभूषण है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बाकी यहाँ से भी ले सकते हो। एक पेज ही है, मतलब तीन पेज है, तीनों पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को आगे पीछे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में उड़िया पठार स्थित है? अगर उड़िया पठार की बात आई तो ये सिरोही के अंदर स्थित, तो आंसर हो जाएगा सिरोही। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार है, एक नंबर पर। दूसरा कौन सा है? दूसरे नंबर पर आता है अबू का पठार, और ये कहाँ पर है? ये सिरोही में है। अबू के पठार की जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर, और जो उड़िया पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर। तीसरे नंबर पे आता है बोराट, बोराट का पठार, यह है उदयपुर में। और चौथा पठार आता है मिस्सा पठार, और यह है चित्तौड़गढ़ में, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़िया पठार सिरोही। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है वागड़ी, तो आंसर हो जाएगा वागड़ी। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र। मेवाती होती है मेवाती, अलवर और भरतपुर, अलवर भरतपुर के आसपास में। ढूंढाड़ी की बात करें जयपुर के आसपास में, जयपुर हो गया, दौसा हो गया, या इधर बात करें किशनगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी भाषा बोली जाती है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया क्या है? मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थलीकरण क्यों होता है, यानी ज़्यादा हवा चलती है, हवा चलने की वजह से क्या होती है, धूल मिट्टी के कण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी जो उपजाऊपन है वो खत्म होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पवन अप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? धूलकोट इनमें से कौन से स्थल को कहा जाएगा? तो वो कहा जाता है आहड़ को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना आहड़ को हम कहते हैं धूलकोट। बाकी हम बात करें ये जो विराटनगर है इसका जो आड़ है धूलकोट है, ये कहाँ है? उदयपुर का इसका नाम है, उदयपुर का भी ये नाम है, उदयपुर का नाम है आड़ है, पीलीबंगा हो गया। और जो ये विराटनगर है इसको बैराट भी बोलते हैं, और ये जयपुर का नाम है,
जयपुर का नाम है, पुराना नाम, प्राचीन नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्र वाला है? राजस्थान का जो भौतिक विभाजन हो रहा है उसके अंदर सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, वह है उत्तर पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र। उत्तर पश्चिम का मतलब इस तरीके का जो ये पोर्शन है ना, यानी ये उत्तर वाला और ये पश्चिम वाला, ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय है। इसको आप यहाँ से समझ सकते हो, देखो ये पोर्स सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर ये दिख रहा है आपको पूरे में, पूरे मैप में, और ये सबसे ज़्यादा किस में है, ये उत्तर पश्चिम वाले मैप में है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आता है। तो ये अलग अलग है, इसमें और भी जगह देखो, हाड़ौती का पठार हो गया, बोराट का पठार हो गया, कुछ और भी चीज़ें इसमें काम की है। देखो इसमें और चीज़ ये भी मिलेगी आपको, बनास बेसिन, लूनी बेसिन, ये अरावली कहाँ से कहाँ चलती है। राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस एक जिले में हुआ? तो हर चैप्टर में अंदर एक उत्पादन से संबंधित भी आ रहा है, तो ये इसका हो जाएगा अलवर के अंदर, सबसे ज़्यादा 14-15 के अंदर बाजरे का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये लड़ा गया था 1576, और डेट क्या थी, 18 जून 1576 या 21 जून, कौन सी डेट है आप कन्फर्म करना, इनमें से 18 जून या 21 जून 1576। तो आंसर हो जाएगा 1576। किस किस के बीच में लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, और अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, मानसिंह ने, और ये कहाँ लड़ा गया था, खमनौर हल्दीघाटी, खमनौर हल्दीघाटी। नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले का भाग है? तो आंसर हो जाएगा रणथंबोर, रणथंबोर यानी नौलखा दरवाजा। धानवन दुर्ग क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। दुर्ग होते हैं, दुर्ग की अलग अलग कैटेगरी परिभाषित किए, धानवन यानी कोई धानवन में है, कोई स्थल में है, कोई पर्वत पे यानी गिरी पे हो गया, कोई पानी में है तो कोई जल में हो गया, यानी ये जो दुर्ग है उनकी कैटेगरी बताई गई है। अगर धानवन दुर्ग है वो रेगिस्तान में होता है तो आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। अगर स्थल इनमें अलग अलग बात करें, अगर गिरी पर्वत की बात करें तो गिरी में कौन सी श्रृंखला आती है, गिरी में जो हो गया अपना चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया। बात करें जल के अंदर, जल के अंदर अपना गागरौन का किला, गागरौन, और स्थल की बात करें तो जूनागढ़ बीकानेर वाला स्थल में है, और गिरी हो गई है। बाकी एरन होता है, एक जो होता है रणथंबोर वाला है वो एरन की कैटेगरी में है। तो ये कई पर्वत है, इनकी कैटेगरी अलग अलग है। तो ये जो धानवन दुर्ग है वो रेगिस्तान की कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे कि जैसलमेर का किला है धानवन दुर्ग की कैटेगरी में आता है, जैसलमेर वाला। वालन नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो यह ग्रासिया जाति का, हमने कल भी देखा था, कल वाले पार्ट में भी एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन था, और उसमें था गुर्जर का चरी नृत्य जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के लेखक पूछे गए कि लेखक थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जयानक, तो आंसर हो जाएगा जयानक। कल भी एक क्वेश्चन आया था लेखक का, तो आज भी लेखक का क्वेश्चन है जयानक, ठीक है। कल पूछा गया था एक वो कन्नड़ जो प्रबंध पे आया था, कल हमने देखा था एक तो पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की, एक दलपत विलास देखी थी रावत शाश्वत की, एक कन्नड़ जो प्रबंध देखी थी हमने पद्मनाभ की, और एक हमेरहट देखी थी जो चंद्रशेखर की थी, और आज इसमें दिया है जयना किसकी है, पृथ्वीराज विजय की। मोहनत और नैनशी की क्या है, एक थी नैनशिरी ख्यात, नैनशिरी ख्यात। चंद्रवरदई इसकी क्या है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदई ने की थी पृथ्वीराज रासो की रचना। और सूर्यमल मिश्रण की हमने कल भी देखी थी वंश भास्कर और वीर सरसई। तो इसलिए फ़ायदा होता है कि पीछे के हम क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो अब देखो आप क्या करते हो, कोई भी आपकी एग्जाम आ गई, अब उसकी किताब ले आते हो, और ये जो किताब छापते हैं ना, चाहे राय हो, लक्ष्य हो, या एक्स वाई जेड जो भी हो, ये क्या करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेते हैं और उनको ही मतलब प्रिंट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज। बाकी हम भी वही कर रहे हैं, पूरे पेपर सॉल्व करेंगे, तो अगर पूरे पेपर सॉल्व करते तो एक भी ऐसा नहीं बचेगा कि आगामी एग्जाम में हम अपने को फायदा नहीं हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान के संदर्भ में पीड़ा पोमचा क्या है? पीड़ा पोमचा क्या है, एक कपड़ा है औरतों के ओढ़ने का, पीड़ा पोमचा कपड़ा। किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकोण से हुई थी? वो थी कवि चंद्रवरदई, कवि चंद्रवरदई, ठीक है। और इनकी जो रचना क्या थी, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी कवि चंद्रवरदई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदगिरी, हमने इस पर कल भी क्वेश्चन पढ़ा था, भील आंदोलन था जिसको भगत आंदोलन भी हमने कहा था, और 1913 के अंदर हुआ था वो, तो कल भी आया था और आज इस पर दूसरा एडिट करके क्वेश्चन बना दिया। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार, मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था, 1913, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, स्वामी गोविंदगिरी, स्वामी गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुआ था, कल आया था और आज भी देखो ये क्वेश्चन आ गया है दूसरे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? राजस्थान की जलवायु को क्या करता है, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है यानी तापमान ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर, तो आंसर हो जाएगा टेम्परेचर होता है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हर पार्ट में हमने एक परियोजना से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं, हर पार्ट में आ रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स करते हैं तो अपना सब क्लियर हो जा रहा है। निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो जख्म है वह है प्रतापगढ़ के अंदर। बाकी हम और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन एडिट होके आए तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जवाइया ये कहाँ पे है? ये पाली और जालौर के अंदर। बात करें जख्म होगी प्रतापगढ़ के अंदर, और माई कहाँ है? ये बांसवाड़ा के अंदर है। जो बिसलपुर है ये कहाँ पड़ती है? ये टोंक अजमेर बूंदी को कवर करती है, टोंक अजमेर और बूंदी को कवर करती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानती थी, भेड़ की एक प्रजाति जो भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है वह चोकला। चोकला तो देखिएगा, इसमें अपन ने 200 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। कभी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। इसी प्रकार से अपन सभी राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से कोशिश करूंगा जनरल साइंस के भी 200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।